हेलो स्टूडेंट्स दो हजार उन्नीस और दो हजार बीस के ऑनलाइन जेई मेन का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे तो जिसमें टॉपिक है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग तो उसमें पहला क्वेश्चन अपने एक एक करके सभी क्वेश्चन करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में इफ द बोलियन एक्सप्रेशन तो ये बोलियन एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो बीच में एंड है ये दो सिंबल इसमें यूज किए हैं इसने अब ये दोनों सिंबल्स कहता है इज इक्वल टू पी एंड क्यू वेयर अब ये दोनों सिंबल्स क्या बिलोंग्स टू एंड और तो ये आपके पास में या तो एंड होंगे या और होंगे या दोनों एंड हो सकते हैं या दोनों और हो सकते हैं या एंड और और हो सकता है ठीक है ना आपके पास में इस तरीके से या और एंड एंड हो सकते हैं इसमें ये पॉसिबिलिटी है तो देन ऑर्डर पेयर पी मतलब ऑर्डर पेयर ये आपके पास में सिंबल है तो इसमें आपके क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी तो ये आपके पास में इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक, ये क्वेश्चन क्या है ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा तो इसमें देखो पहला अगर आपने ये यूज करते हैं तो देखो इसमें पी और क्यू एंड नगेशन ऑफ पी और क्यू तो इसको अपने किस फॉर्म में लिख सकते हैं तो थोड़ा सा इसमें सेट के बेसिस पे जैसे देखो आपके पास में यहां पे ए यूनियन बी एंड ए डैश यूनियन बी उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं तो देखो अब इसमें क्या है आपके पास में तो ये क्यू का ऑपरेट किया हुआ है किस पे पी एंड नगेशन ऑफ क्यू पी पे ठीक है किस साइन के साथ में और क्यू ये इस फॉर्म में तो ये क्या होता है आपके पास में ये C होता है तो C और Q यानी कॉन्ट्राडिक्शन फॉल्स तो ये रिजल्ट तो Q का रहेगा ना इसमें तो Q आएगा ये तो इसके इक्वल नहीं आया P एंड Q के इक्वल नहीं हुआ तो अपने पास में देखो सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो P एंड Q एंड नगेशन ऑफ P एंड Q इसको देखो आपके पास में ये किसके इक्वल आएगा P एंड नगेशन ऑफ P एंड क्यू ये आपके पास में हमेशा क्या रहेगा C एंड Q ये C आता है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी फॉल्स है दिस इज फॉल्स नॉट इक्वल टू P एंड Q के बराबर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वन आपके पास में इसको चेक कर लें तो P एंड Q ये सिंबल रखेंगे ना इसकी जगह ये तो अब बस आपके पास में एंड नगेशन ऑफ P और Q इस फॉर्म में तो अब इसमें देखो आप इसको किस तरीके से आप देखोगे इसको इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएं तो देखो क्या आता है आपके पास में पी एंड क्यू किस सिंबल के साथ में एंड नगेशन ऑफ पी इस फॉर्म में एक तो ये आएगा ठीक है ये फिर आपके पास में उसके साथ में जाएगा तो क्या आएगा फिर किस सिंबल बीच में सिंबल क्या रहेगा आपके पास में और तो ये आपके पास में क्या आ गया पी एंड क्यू पी एंड क्यू एंड ठीक है आपके पास में एंड यहां पे एंड आएगा इसका एंड क्यू तो ये क्या रहेगा क्यू एंड क्यू तो इस तरीके से यहां पे एंड क्यू ये आएगा ठीक है अब यहां से आपके पास में देखो इसको क्या करेंगे ये तो ये आपके पास में यहाँ पर ये सी मिलेगा ठीक है तो इसमें आपके पास में ये सी रहेगा पूरा तो यूनियन कैसे पी एंड नगेशन ऑफ पी एंड क्यू तो इसका पी एंड क्यू का आपके पास में इसके साथ में अगर आप सेट की तरह से देखें तो देखो पी एंड क्यू तो ये पी एंड क्यू हो गया ठीक है और इसका नगेशन ऑफ पी क्या होगा आपके पास में बाहर वाला तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास में ये वाला पार्ट है ये ये नगेशन ऑफ क्या हो गया P ठीक है इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन है क्या कुछ नहीं है तो C है कंट्राडिक्शन अब इसमें आपके पास में P एंड Q ही आएगा ये P एंड Q तो इससे आपके पास में P एंड Q तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव स्टूडेंट ऑफ ए क्लास है वो पहला रीजनिंग का था तो एवरेज हाइटी सेंटीमीटर एंडी सेंटीमीटर स्केयर सो ए न्यू स्टूडेंट हुई ज्वाइन दैम द वेरियंस इन सेंटीमीटर स्केयर ऑफ दाइट ऑफ दी सिक्स स्टूडेंट्स इज तो पहले आपके पास है पांच स्टूडेंट्स का एवरेज दे रखा है ठीक है और फिर इसमें एक नए स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया तो नए स्टूडेंट्स को ऐड करा तो उसकी आपके पास में हाइट कितनी है 156 है तो कितना है? पास, पास में पहले ओल्ड देखो आपके पास में इसमें सोल्यूशन इसका क्या है ओ्ड़. सिग्मा एक्स कितना है ये आपके पास में एन एक्स बार क्लियर तो एन कितना फाइव दिस इज वन फाइव जीरो सो दिस इज सेवन फिफ्टी अब अपने पास में तो न्यू सिगमा एक्स कितना आ गया आपके पास है वन फिफ्टी सिक्स इसमें एड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में तो नाइन हंड्रेड सिक्स क्लियर है तो न्यू मीन क्या आया आपके पास में न्यू मीन सो यू एक्स बार सो नाइन हंड्रेड सिक्स अपॉन सिक्स दिस इज वन फिफ्टी वन क्लियर है तो ये आपके पास है वन फिफ्टी वन आ गया अब इसमें आपके पास में ये वन फिफ्टी वन रहेगा ठीक है तो अपने को। तो देखो वो यहां से आएगा पहले इससे ये फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा एक्सकेयर तो यहां से सिग्मा एक्सर अपॉन एन माइनस तो ये आपके पास में होल तो इसमें कितना दे रखा आपको एटीन क्लियर तो ये आपके पास में यहाँ पे 150 है तो इसमें सिग्मा एक्स स्क्र तो अपॉन एन तो ये 150 फिफ्टी ठीक है तो इसमें आपके पास में ये कितना हुआ इसका स्क्यर करेंगे तो टू टू फाइव डबल ज़ीरो तो ये आपके पास में टू टू फाइव एंड वन एट सो इसमें आपके पास में, तो में सिग्मा एक्स एक्सक्र अपॉन फाइव तो ये ओल्ड क्या आ गया आपके पास में ओल्ड ओल्ड सिगमा एक्सक्र कितना हुआ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना बनता है ये सो so, ये 90 यहाँ पे और ये बन गया आपके पास में तो 5 तो 5 से तो क्या आएगा इसमें 10 तो 11 टू फाइव ये आपके पास में इसका ओल्ड सिग्मा एक्सक्र आ गया ठीक है अब इसमें ओल्ड तो सिग्मा एक्सक्र आएगा अब अपने न्यू न्यू सिग्मा एक्सक्र निकाल लेते हैं न्यू सिग्मा एक्सर कितना आएगा आपके पास में इसमें वन वन टू फाइव नाइन जीरो प्लस वन फिफ्टी सिक्स होल स्क्र क्लियर तो ये आपके पास में कितना आता है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये थर्टीन सिक्स नाइन ठीक है तो यहां से आपके पास में ट्वेंटी सिक्स है तो ये इसकी वैल्यू इतनी आएगी तो ये कितना है थर्टीन सिक्स नाइन ट्वेंटी ये इसको कैलकुलेट कर लेना वो देख लेना आपके पास में जो भी आता है तो ये न्यू सिग्मा एक्सक्र आ गया ठीक है अब अपने पास में व्हाट इज द न्यू सिग्मा एक्सक्र वो देख लेते हैं अपने पास में क्या आएगा तो यहां से दिस इज सिग्मा एक्स स्क्न सिक्स माइनस वन होल स्केर क्लियर तो इसमें आपके पास में जब इसको डिवाइड करोगे वन थ्री सिक्स नाइन टू सिक्स क्लियर है तो ये अपॉन सिक्स तो माइनस वन फिफ्टी वन होल स्केयर इस फॉर्म में आएगा तो so, इसको अपने जब आपने सोल्व करते हैं तो ये आपके पास में ट्वेंटी टू क्लियर है तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो कितना आता है आपके पास में दिस विल बी स्क्वेयर ऑफ दिस विल बी ये ट्वेंटी टू एट जीरो वन ठीक है सो ये आपके पास में ट्वेंटी आएगा तो इसको सॉल्व कर लेना ये देखो आपके पास में यहाँ पे कितना टू पे जाएगा पहले ये कितना आएगा वन तो फिर इसको डिवाइड कर करके देख लें वो यही यही बनेगा तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द न्यू सिग्मा स्क्यर इज ट्वेंटी क्लियर है तो आपके पास में ऑप्शन क्वेश्चन इज ट्वेंटी तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मेंल स्केयर आई वेरिज फ्रोम वन टू एन इज इकल टू नाइन एन एंड सिग्मा एक्स आई माइनस वन होल स्केयर तो आई वेरिज फ्रोम वन टू एन इज इकल टू फाइव एन देन स्टैंडर्डियेशन ऑफ दिस डेटा इज तो इसमें देखो बिल्कुल सिंपल है ये इसको आप अगर थोड़ा सिंपलीफाई करें तो इसमें देखो आपके पास में क्या आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर तो सीधा ऐसे लिख लेते हैं अपने पास में टू एक्स आई एंड ये आपके पास में वन ये कहां से कहां तक तो हो जाएगा तो सीधा ही मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अब ये किसके इक्वल आ गया तो सिग्मा एक्साई स्क्वायर ठीक है तो टू सिग्मा एक्स आई सो दिस इज एन ये एन आएगा आपके पास में तो ये एट एन हो गया क्लियर है अब ऐसे फिर आपके पास में उससे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रिजल्ट क्या आएगा देखो सिग्मा एक्स आई तो माइनस टू सिग्मा एक्स आई तो उधर से फोर एन आएगा ये आपके पास में फोर एन क्लियर तो यहां से वन एडेड एन टाइम्स तो एन बार आएगा तो आपके पास में उसको क्या फोर एन लिखेंगे तो अब इसमें यहां से क्या सिग्मा एक्सक्र की वैल्यू निकाल लो तो सिग्मा एक्सक्र क्या आएगा ठीक है तो वो आपके पास में एडिंग एड करोगे तो क्या आएगा तो सिग्मा एक्सक्र तो टू ट्वेल्व एन ठीक है तो ये आपके पास में किसके इक्वल आ गया तो दिस इज सिक्स एन ठीक है तो इसमें सिग्मा एक्सक्र अपॉन आपके पास में n किसके इक्वल आ गया 6 के तो ऐसे फिर आपके पास में इसको जब आप सबट्रैक्ट करोगे जब सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में सब्ट्रैक्शन से क्या मिलेगा 4 सिग्मा x इज इक्वल टू 4n ऐसे लिख दिया तो फिर ये सिग्मा x अपॉन n इज इक्वल टू 1 ऐसा आ रहा है तो अब इन इसको डाटा को इसी को यूज कर लेंगे अपने आगे देखो अब इसमें क्या करेंगे इसमें देखो आपके पास में तो सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल आया तो सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन तो ये आपके पास में तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो ये सिक्स माइनस वन तो इधर क्या आएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू रूट फाइव आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रूट फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखें यहां पे फोर्थ क्वेश्चन लॉजिकल स्टेटमेंट नगेशन ऑफ नगेशन ऑफ पी और क्यू और पी एंड क्यू एंड नगेशन ऑफ क्यू एंड आर इज इक्वलेंट टू ये किसके इक्वलेंट है ये पूछा है तो देखो पहले आप इसमें क्या करेंगे तो नगेशन ऑफ ऑफ़ पी और क्यू, इसको सिंप्लीफाई करें पहले ये आपके पास है पी एंड आर एंड ऑफ़ क्यू एंड आर। तो इसको देखो अपने इसमें डीमोर डिमोर्गल लाल लगा दिया डिमोरगल लाल लगाएंगे तो आपको पता है ये क्या आएगा पी ये एंड नगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा तो पी एंड नगेशन ऑफ क्यू इस फॉर्म में और पी एंड आर इधर आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू एंड आर इस फॉर्म में है अब इसमें देखें आपके पास में इसको क्या लिखोगे आप पी एंड ठीक है ये और है देखो आपके पास में तो पी का किसके ऊपर देखो आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू और आर पे आपने ऑपरेट किया है विद वट साइन एंड के साथ में तो एंड बाहर आएगा तो ये आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू एंड मतलब और आर इस फॉर्म में ठीक है तो इधर आपके पास में एंड, नगेशन ऑफ क्यू एंड तो ये आपके पास में जैसे देखो इस तरीके से आप जैसे सेट को करते हो ना जैसे ए एंड बी इंटरसेक्शन सी इसको अपने उस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला फॉर्म तो यही फॉर्म इसमें लगा देंगे देखो अब यहां पे इसको इसके साथ में लेते हैं तो देखो क्या बना आपके पास में पी एंड नगेशन ऑफ क्यू और आर ठीक है इस फॉर्म में एंड नगेशन ऑफ क्यू एंड आर ये इस फॉर्म में लिख लिया तो अब आपके पास में इसको अगर, अगर अपने थोड़ा सा ध्यान से दे अगर क्यू और आर का अपने देखो अगर क्यू और आर की बात करें तो क्यू जैसे एक मिनट इधर देखो क्यू ये आर तो आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू इसमें मैं क्या कह रहा हूँ नगेशन ऑफ क्यू तो ये नगेशन ऑफ क्यू तो बाहर का बनेगा सारा ये वाला ये नगेशन ऑफ क्यू आ गया आपके पास में ये ये नगेशन ऑफ क्यू इस फॉर्म में बता रहा हूँ अब नगेशन ऑफ क्यू और आर तो नगे तो आर के साथ में उसका करेंगे तो आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू और आर तो ये सारा आ जाएगा ये वाला ये वाला ये, वाला. ये आपके पास में इस फॉर्म में आएगा अब अगर मैं आपको ये कहता हूं नगेशन ऑफ क्यू एंड आर इसमें तो उसमें इस आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू एंड आर तो वो आपके पास में तो जैसे नगेशन ऑफ क्यू ये वाला बनेगा आपके पास में ये वाला ये ये क्यू आर तो ये नगेशन ऑफ क्यू अब इसका आर के साथ में इंटरसेक्शन लेना तो आर के साथ में इंटरसेक्शन लेना तो आपके पास में आर तो ये पूरा है ना तो ये नगेशन ऑफ क्यू ये वाला पूरा हो गया ना नगेशन ऑफ क्यू पूरा ये इस फॉर्म में ठीक है तो इसमें आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू बाहर वाला सारा हो गया ना तो किसको छोड़कर क्यू को तो आर के साथ में उसका यूनियन करेंगे तो यही तो आएगा पूरा ये ठीक है अब इसमें देखो आपके पास में आर के साथ में इसका इंटरसेक्शन लेना है तो इसमें नगेशन ऑफ क्यू एंड आर लेना है तो ये आपके पास में कौन कौन सा पार्ट आएगा सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा ये वाला ठीक है तो इसमें आर की और नगेशन ऑफ ये आर का पूरा था ना तो ये आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू एंड आर आएगा अब इसका देखो आपके साथ में इसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है तो इसके साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो यही तो आएगा आपके पास में तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ फिर आपके पास में सो पी एंड नगेशन ऑफ क्यू एंड आर ये आपके पास में इसका आंसर रहेगा आंसर टू दिस क्वेश्चन इज देखो फिर आपके पास में कौन सा ऑप्शन बनता है इसको आप सेट करके भी लिख सकते हो तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हेयर इसको पी एंड आर नेगेशन ऑफ क्यू तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट में देखो तो मीन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशन इज फाइव एंड देर वेरियंस इज नाइन पॉइंट टू इफ ऑफ द गिवन फाइव ऑब्जर्वेशन थ्री एंड एट देन रेशियो ऑफ दी अदर टू ऑब्जर्वेश तो बाकी के दो observations का आपको क्या पूछा है रेशियो पूछा है तो so, इसमें देखो आपके स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है तो अब इसमें मीन क्या कह रहा है आपके पास में फाइव ऑब्जर्वेश्स का मतलब फाइव द थ्री ऑफ दी तो इसमें आपके पास में क्या आएगा सिग्मा एक्स क्या लोगे आप सिग्मा एक्स दैट इज हियर बी हैव मीन ऑफ दिस फाइव ट्वेंटी फाइव आ गया ट्वेंटी फाइव क्लियर है सो व्हाट विल बी दर लेट टू ऑब्जर्वेशन क्या ले लेते हैं अपने वो टू ऑब्जर्वेशन b एक्स फोर एंड एक्स फाइव ये ले लिया मैंने बाकी दो ऑब्जर्वेशन so, तो उनका सम आपके पास में कितना आ रहा है सो वन प्लस थ्री प्लस एट प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव सो दिस इज ट्वेंटी फाइव तो अब ये आपके पास में कितना यहाँ पे इलेवन टो एक्स फोर प्लस तो अब आपके पास में इसने देखो किस तरीके से ऑप्शन दिया दोनों का सम क्या है आपके पास में सबका थर्टीन 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 इसलिए स्टूडेंट्स क्या है? इसको डायरेक्ट यहाँ से नहीं बता सकता ये भी एक चक्कर है अब इसमें चलो एक अब इसमें आगे आपके पास में वेरियंस की वन है तो वेरियंस की हेल्प लेंगे अब अपने पास में ठीक है तो वेरियंस में आपके पास में क्या आएगा सो वेरियंस सिग्मा स्क्वायर सो नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट टू सॉरी अब इधर क्या है? आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर तो क्या है वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर एंड प्लस एक्स फोर स्क्र प्लस एक्स फाइव स्क्र ऐसा है अपॉन फाइव इस फॉर्म में तो अब इसका मीन क्या था आपके पास में दैट इज फाइव तो ये ट्वेंटी फाइव आएगा तो ट्वेंटी फाइव उधर जाएगा तो आपके पास में उसको ऐड कर देते हैं तो ये ट्वेंटी फाइव दिस विल बी द 34.2 फोर पॉइंट टू सो एक्स फोर एक्स फाइव ऐसा आएगा सो so, ये आपके पास में सिक्सटी फोर एंड प्लस टेन ऐसा हो गया सो so, ये आपके पास में इधर सो थर्टी फोर पॉइंट टू इन टू फाइव ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास में इधर वन बन गया ये आपके पास में कितना आएगा यहाँ पे ट्वेंटी ठीक है उसको ऐड कर लेंगे वन को इसमें ऐड कर देंगे ना तो आपके पास में तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपके पास में फिफ्टीन सेवेंटी तो सेवेंटी वन आएगा तो दिस विल बी सेवेंटी वन तो सेवेंटी वन एक्स फोर एक्स फाइव माइनस वन इस फॉर्म में आएगा सॉरी 74, ये कितना है 74 आ रहा है तो 74, तो 171 वन माइनस सेवेंटी तो ये फाइनली किसके फॉर्म में आ गया आपके पास में तो दिस विल बी सेवन एंड यहाँ से आपके पास में सिक्सटीन तो ये सेवन तो इधर 16, 9, 97, x4, x5, ठीक है तो अब देखो यहां से आप डायरेक्ट यहां से बता सकते हो देखो अब इनका सम ऑफ कितना पास में 97 आ रहा है तो 97 आपके पास में देखो इससे मिल रहा है तो आंसर क्या है इससे नहीं मिलेगा इससे भी नहीं मिलेगा यहां से देखो 36 एंड 42 मिल रहा है तो इधर इससे 25 एंड तो इससे भी नहीं मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन से मिल रहा है ना अब आपको पूछा है क्या इसने तो रेशियो पूछा है तो रेशियो आपके पास में कैसे फाइंड आउट कर लोगे अब इसमें एक्स वन एक्स एक्स वन एक्स फोर और एक्स फाइव की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आप क्या करोगे एक्स फाइव की वैल्यू निकाल कर इसमें डालेंगे तो इसमें देखो आपके पास में क्या आएगा एक्स थर्टीन माइनस एक्स फोर होल्स केयर सो दिस विल बी यहाँ पे नाइन्टी सेवन इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया टू एक्स रेश फोर ये माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स फोर वन सिक्स नाइन यहाँ से वन सिक्स नाइन और वो थ्री तो कितना आएगा सेवेंटी टू आएगा ना अब इसके ये कितने से डिवाइड हो रहा है सो so टू से डिवाइड हो रहा है तो एक्स फोर यहाँ पे थर्टीन एक्स फोर सो थर्टी सिक्स एक्स की वैल्यू क्या आ रही है फिर आपके पास में एक्स फोर की वैल्यू नाइन और फोर तो देखो आपके पास में नाइन लेंगे तो एक्स फाइव बिल भी 4 फोर अगर फोर लेंगे एक्स फाइव बिल भी नाइन सो बेस्ट ऑप्शन इज करेक्ट यार फोर्थ वन नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है द कंसिडर द स्टेटमेंट पी एन इज इकल टू एन स्क्र माइनस एन प्लस फोर्टी वन इज प्राइम नंबर क्वेश्चन इसमें आपको ऑप्शन से ही करना है तो इसमें देखो अगर अपने पी थ्री निकाले पी थ्री पी थ्री क्या आ so रहा है आपके पास में नाइन माइनस थ्री प्लस फोर्टी वन सो ये फिफ्टी फिफ्टी सेवन आ रहा है सो दिस इज सॉरी फिफ्टी सेवन इज सॉरी कितना फोर्टी सेवन 47 तो 47, 47, 47 है तो 47 इज क्या है आपके पास में प्राइम नंबर है तो f5 p5 निकालो p5 कितना आ रहा है अब आपके पास में 25 minus 5 plus 41 तो इसको सिंपलीफाई किया तो ये आपके पास में 2061 सो so, बोथ आर ये दोनों क्या है प्राइम नंबर ठीक है तो तो आपके पास में सो so, बोथ p3 एंड p

एंड सेवन इज ए फैक्टर ऑफ वन नाइन टू दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू एल्सियम ऑफ दि फाइव एंड सेवन अब इसमें देखें आपके पास में ये इसमें यहां पर फालतू लिखा हुआ है ये गलती है इसमें ठीक है तो अब इसमें देखो अपने पास में अगर मैं किसकी बात करता हूँ पहले पहले की फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास में क्या टी एंड एफ और ये एफ है तो इससे आपको क्या मिलेगा एफ एफ और एफ दिस इज एफ ठीक है तो पहला ऑप्शन तो नहीं है तो ऐसे इसमें देखें आप फटाफट देखें इसमें क्या आपके पास में एफ इधर क्या आपके पास में एफ एंड टी F तो इधर से भी एफ मिलेगा अब थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं मैं थर्ड में देखो आपके पास में क्या है तो नगेशन ऑफ क्यू एंड आर ऐसा है तो इसकी क्या आपके पास में ट्रूथ वैल्यू टी अब ये आपके पास में क्या हो गया नगेशन ऑफ क्यू नगेशन ऑफ एफ़ क्या होगा टी दिस इज टी एंड टी तो ये आपके पास में टी मिल रहा है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन बिकॉज इट इज ट्रू क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविशन ये स्टैटिस्टिक्स का है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशंस

उसमें आपके पास में सम क्या आ जाएगा इसमें देखो आपके पास में ओल्ड सिग्मा एक्स दैट विल बी द सो क्लियर है दिस इज दटविली एंड व्हाट इज द न्यू न्यू सिग्मा एक्स क्या आएगा आपके पास में फिफ्टी माइनस फिफ्टी दट इज जीरो सो न्यू मीन क्या हुआ फिर आपके पास में न्यू एक्स बार ये आपके पास में जीरो क्लियर तो अब अपने बात करते हैं किसकी सिग्मा स्क्वायर की बात करें सो so वेरिएंस कितना आपके पास में तो पहले आपके पास में वेरिएंस कितना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फाइव ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो थ्री ए तो ये आपके पास में सिग्मा स्क्वायर किसके कुल आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन तो सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर तो ये इसमें नाइन आएगा यहां पे इधर सिग्मा एक्स एक्सर ये ओल्ड मिलेगा यहां पे अपॉन एन फाइव जो भी आ रहा है इंटू फाइव ये आ गया आपके पास में कितना आया सो दिस इज फाइव फोर्टी फाइव क्लियर अब इसमें आपको क्या ऐड करना है तो उसका स्क्वायर तो न्यू सिग्मा एक्स एक्सक्र ठीक है तो मीन क्या था आपके पास में हंड्रेड था मतलब टेन था तो इधर आपके पास में फाइव ऑब्जर्वेशंस आ गए तो अब अपने पास में न्यू सिग्मा एक्वेयर दैट विल बी फाइव फोर फाइव प्लस फिफ्टी स्क्र तो यही आएगा इसमें आपके पास में ये कितना बनेगा तो देख लें थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से ये वन हंड्रेड नाइन इंटू फाइव तो ठीक है तो इसमें ट्वेंटी फाइव हंड्रेड दिस विल बी फाइव एंड फोर सो दिस इज थर्टी ऐसे ही आएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सो ये आपके पास में फाइव फोर फाइव क्लियर है तो so, ये इस फॉर्म में रह गया तो so, सिग्मा एक्सक्र मिल गया आपने को सिग्मा एक्सक्र ये न्यू आ गया अब नाउ व्हाट विल बी देयर वेरिएंस पूछा है तो so, वेरियंस सिक्स ऑब्जर्वेशन तो आपके पास में सीधा ही इसमें आप किसको डिवाइड करेंगे यहां पे आपके पास में सिक्स से डिवाइड करोगे तो सिक्स से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास में यू विल गेट हेयर इसको जब तो वेरियंस विल बी हेयर वेरियंस विल बी हेयर सिग्मा स्क्वायर ये न्यू आएगा दिस इज सिग्मा एक्स स्क् अपॉन एन ये आपके पास में जीरो एक्स बार दिस इज जीरो सो हेयर थ्री फोर फाइव अपॉन सिक्स क्लियर तो ये आपके पास में जब आप इसको देखो डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा पहले ये आपके पास में फाइव पे ठीक है तो इधर थर्टी फोर तो ये आपके पास है फाइव हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव कुछ ऐसा आ रहा है ठीक है ना इसको डिवाइड करके देख लेना ये तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज तो यहां से फोर आ जाएगा डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या आएगा सेवन पॉइंट ये सो फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रीजनिंग का है इफ क्यू इज फॉल्स एंड पी एंड क्यू इंप्लाइज बोथ वेज क्लियर है बाइक कंडीशनल आर इज ट्रू फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी तो कौन सी स्टेटमेंट आपके पास में टोटोलॉजी है ये बताना है ठीक है तो अब इसमें देखें आपके पास में यहां पर इसमें कुरेक्शन है ये और कर लेना यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में तो अब इसमें देखें आपके पास में तो क्यू इज फॉल्स तो क्यू फॉल्स है तो इसमें देखो आपके पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी है तो ये ट्रू कह रहा है सो दिस इज एफ ठीक है अब इसमें आपके पास में इधर ये भी एफ होगा क्लियर है तो इसमें एक ये एफ पॉसिबिलिटी बनती है और टी एंड एफ तभी तो ट्रू मिलेगा इधर आपको ठीक है इधर आपके पास में इधर से क्या मिलेगा आपको फिर एफ सो दिस इज यहां पे क्या आएगा एफ तो एफ बोथ वेज दैट इज ट्रू ये क्लियर तो ये आपके पास में दो पॉसिबिलिटी आ सकती है अब आपके पास में इसमें देखो जब आपने इस केस को लेते हैं इस केस को लें तो आपके पास में क्या आ रहा है सो so हे इस फर्स्ट ऑप्शन में देखो अगर अपने लगाएंगे तो एफ एंड एफ दैट इज एफ दैट इज नॉट ट्रू ट्रू नहीं आ रहा अगर आपने ये वाला केस लगाए देखो आपके पास में तो भी नहीं मिलेगा अब अपने बात करते हैं इसमें देखो सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं सेकंड में सेकंड में आपके पास में मैं एफ और एफ एफ और एफ ये ठीक है इंप्लाइज एफ एंड आर एफ एंड आपके पास में क्या आएगा इसमें एफ एंड आर ये तो आपके पास में इसमें क्या रहेगा आपके पास में ये यहाँ पर एफ तो यहाँ से टी मिल रहा है क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा क्या इट इज़ अगर इस केस को लें तो इसमें देखें आपके पास में टी एंड लेते हैं तो तो यहां से टी मिलेगा ठीक है तो इधर से फिर आपके पास में F, this is not so, इस केस में ये ट्रू नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्लियर तो अब इसमें बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन में तो इधर देखें आपके पास में तो ये एफ एंड एफ ऐसे फर्स्ट केस लगा दिया तो इधर आपके पास में थर्ड की बात कर रहा हूं मैं तो इधर एफ इधर आपके पास में क्या आ रहा है टी आएगा ये अच्छा इसमें आपके पास में ये भी आपके पास में टी एंड एफ और एम्प्लाइज तो इसमें आपके पास में क्या रहेगा तो टी एंड एफ तो इसमें आपके पास में टी और यहां पर टी और एफ ऐसा आएगा तो ये आपके पास में क्या आया एफ एंड दिस टी दिस इंप्लाइज हियर इज दिस टी तो इधर आपके पास में ये पता है ना ये एफ है तो यहां से भी एफ आएगा तो ये इधर वाला भी टी रहेगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्लियर तो आपके पास में इस केस में आपको एफ मिलेगा सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द आउटकम ऑफ ईच ऑफ दर्टी आइटम्स वॉज ऑब्जर्व टेन आइटम्स काउटकम वन पॉइंट टू माइनस डी एंड ईच टेन आइटम गेव दूच एंड प्लस डी वेरियंस ऑफ दिस फोर पॉइंट थ्री देन मोडल टू ये पूछा है आपको तो अब देखो इसमें वेरियंस कितना हाउ मच वेरियंस इज था आपके पास में तो वेरियंस ही पूछा ना इसमें व्हाट इज दस फोर पॉइंट थ्री सॉरी वेरियंस इज फोर पॉइंट थ्री है अब कहता है कि वैल्यू वन पॉइंट टू एंड रिमेनिंग टेन वन पॉइंट टू प्लस डी सो टोटल नंबर ऑफ आइटम हेयर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देयर थर्टी तो आपके पास में पहले अपने इसके मीन की बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीन एक्स बार तो वो आपके पास में यहां पे टेन वन पॉइंट टू माइनस टी एंड टेन अपॉन टू तो टेन वन पॉइंट टू प्लस टी इस फॉर्म में अपॉन थर्टी ये आएगा तो यहाँ से आपके पास में ये कितना हो गया फाइव 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 तो डी तो कैंसिल हो गया तो कितना हुआ आपके पास में ये फिफ्टीन वन पॉइंट टू तो ये बार आ गया क्लियर है तो यहाँ से फाइव तो फाइव डी वो कैंसिल हो जाएगा फिफ्टीन वन पॉइंट टू अब अपने बात करते हैं वेरियंस की वेरियंस में देखो आपके पास में x स्क्वायर दिस इज फोर पॉइंट थ्री क्लियर तो अब उसमें आपके पास में स्केयर तो ये आपके पास में टेन वन पॉइंट टू माइनस डी होल स्केयर एंड तो टेन पॉइंट फोर ऐसा आएगा तो वन पॉइंट फोर विल बी एडेड टेन टाइम्स तो इधर फिर आपके पास में टेन एंड वन पॉइंट टू प्लस टी होल स्केयर अपॉन में थर्टी उधर माइनस का क्या आएगा वन पॉइंट फोर आएगा इसका स्क्वेयर हो जाएगा ना तो इसको आप इधर ले आए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास में क्या आ रहा है देखो यहां से तो टेन कॉमन आ गया तो फोर पॉइंट थ्री प्लस वन पॉइंट फोर ऐसा आएगा सो वन पॉइंट थ्री आ जाएगा बाहर तो यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर ठीक है सो थ्री बाई फोर ऐसा आएगा तो माइनस का d प्लस का d वो कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का d स्क्वेयर बचेगा आपके पास में प्लस का टू डी स्क्वेयर ऐसे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अब इसमें तो इसको देखो आपके पास में क्या आएगा तो इधर थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया आपके पास में सो ट्वेल्व तो प्लस थ्री बाई फोर एंड दिस इज थ्री बाई फोर प्लस टू डी स्क्वेयर ठीक है ना इधर ये बनेगा तो इधर क्या कह रहा हूं मैं ये थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन थ्री ऐसा आएगा सो दिस इज व्हाट फोर ये कैंसिल हो गया तो डी स्क्र इज इक्वल टू बी आई टू सो द डी प्लस माइनस तो आपके पास में मोडुलस ऑफ डी इज इक्वल टू रूट टू आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये रीजनिंग का है द कंट्रापोजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वेयर्स आर नॉट इक्वल तो पहले देखो आपको सिंबोलिकली फॉर्म में पता होना चाहिए द कंट्रापोजिटिव एग्जिस्ट ओनली फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ये देखो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो so, आपके पास में इफ टू नंबर सो इसका कंट्रापोजिटिव क्या होता है वट इज द दंट्रापोजिटिव ऑफ दिस सो कंट्रोपोजिटिव ऑफ दिस इज नगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नगेशन ऑफ पी तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है ठीक है तो आपके पास में क्या आएगा इफ अब इसमें क्या कह रहा है इफ द ऑफ स्के टू नंबर्स आर इक्वल अब इसमें देखो इफ द स्वेयर ऑफ द टू नंबर्स आर इक्वल देन बोथ बो नंबर्स व्हेन टू नंबर्स आर इक्वल ऐसे आएगा देन द नंबर्स आर इक्वल तो इसमें देखें आपके पास में इफ द स्केयर्स ऑफ द टू नंबर्स आर इक्वल इक्वल। तो so, ये इसको देखते हुए लगाना है इसको देख के अगर आपको सिंबलिकली ये पता है तो आप इसको सही लिख सकते हैं नहीं तो गलत हो जाएगा तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या क्यू इंप्लाइज नगेशन ऑफ पी तो आपके पास में इसका इफ द स्केर ऑफ दू नंबर्स आर इक्वल क्लियर है देन नंबर्स आर इक्वल देन नंबर्स आर इक्वल सो बीच ऑप्शन इस

आपके पास में थोड़ा सा जल्दी आ जाता है तो इसमें देखो पी एंड क्यू और फिर अगर मैं थोड़ा सा सेट से बताता हूं तो आप जल्दी इसमें आप कर लोगे। इसमें देखो आप दो सेट लेते हैं पहले तो इसको देखें आप इसमें ये कह रहा हूं पी एंड क्यू पी एंड क्यू आपके पास में ये आ गया फिर आपके पास में इसको देखें सो पी नगेशन ऑफ क्यू सो ये आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू क्या आपके पास में सो एक्सेप्ट क्यू फिर उसका किसके साथ में यूनियन है तो पी के साथ में तो ये ये सारा का सारा आएगा ये वाला पी के साथ में भी तो है ना ये तो आपको ये सारा ये अब इसमें आपके पास में इसका यूनियन लिया है सो व्हाट विल बी द यूनियन ऑफ दिस टू इसका दोनों का यूनियन तो इसको उठा करके क्या इसके ऊपर रखेंगे तो आपके पास में यूनियन तो यही आएगा ना इसका देखो मैं क्या कह रहा हूं इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे सो यूनियन विल बी हेयर पी नगेशन ऑफ क्यू इस फॉर्म में आ गया ठीक है अब अपने पास में इसकी बात करें इसका इसका वैल्यू मैंने क्या निकाल दिया पी और नगेशन ऑफ क्यू ये आ गया अब इसकी बात करें अपने पास में देखो ये वाला तो इसमें, पास इसमें आपके पास में नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू तो इसमें दोनों का देखो आपके पास में पी पी को छोड़ोगे पहले तो ये ये ऐसे तो ये किसका नगेशन आ गया पी का फिर ऐसे आपके पास में किसके नगेशन की बात करते हैं क्यू के के नगेशन की तो के नगेशन की आपके पास में ये आएगा ये पी ये आपके पास में किसका नगेशन आ गया नगेशन ऑफ क्यू ठीक है अब इसमें दोनों का आपको क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जब इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये बीच वाला खाली रह जाएगा आपके पास में ठीक है तो किस फॉर्म का रहेगा आपके पास में इस फॉर्म का रहेगा देखो मैं क्या कह रहा हूं ये 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 आपके पास में क्या आ गया इसका तो इसका मतलब क्या होता है नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू मतलब नगेशन ऑफ पी और क्यू ये तो पी और क्यू को छोड़कर ये समझ रहे हो ना अब अपने पास में देखो इसका और इसका क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना है तो इसका जब और इसका इसका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो मतलब क्या हुआ इसका जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो विच पार्ट इज तो यही आपके पास में आएगा इसका इंटरसेक्शन तो इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है तो आपके पास में इसको जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये वाला पार्ट इसका खाली रहेगा ना तो आपके पास में आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी हेयर तो ये आपके पास में इससे क्या मिला आपको सो पी और नगेशन ऑफ क्यू एंड नगेशन ऑफ P एंड नगेशन ऑफ Q इससे आपको क्या मिलेगा दोनों का जब आप कंबाइन करेंगे इसको इसको और इसको एंड लेना है एंड तो ये आपके पास में बीच वाला खाली रह जाएगा तो क्या आया आपके पास में सो नगेशन ऑफ P और Q एक ही बात है तो इसका क्या रहेगा नगेशन ऑफ P एंड नगेशन ऑफ Q इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो इजी है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स का है सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द नंबर 30 इज 50 सो देन मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज तो आपके पास में डेविएशन दे रखा अभी यहां पे सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 इज 50 तो ऐसा है एक्स वन माइनस थर्टी ऐसे प्लस एक्स टू माइनस थर्टी लास्ट में आपके पास में एक्स फिफ्टी माइनस थर्टी इस फॉर्म में आया ना ठीक है इक्वल टू वट फिफ्टी तो ये पे आपके पास में थर्टी कितनी बार ऐड किया है तो यहां से आपके पास में एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एक्स फिफ्टी सो so, 30 भी हैव एडेड हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स 50 टाइम्स तो बेटा इसमें देखो आपके पास में सो so, 30 into 50 plus 50 तो ये आपके पास से 1550 ऐसा आ गया क्लियर तो अब आपके पास में कितने है? तो 50 ऑब्जर्वेशंस है ना तो इसको 50 से डिवाइड कर दो आपके पास में x1 plus x2 plus x3 x50 सो so, अपॉन 50 तो इधर आपके पास में 50 ये कितना आया फिर आपके पास में थ्री वन सो थर्टी वन नेक्स्ट क्वेश्चन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फाइव मीन कितना आपके पास में फोर है एंड वेरिएंस इज 5.20 पॉइंट टू जीरो रिस्पेक्टिवलीफ द्री ऑफ दर्वेशन इज थ्री फोर एंड फोर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन इज बाकी की दो दो ऑब्जर्वेशन रहती हैं उनके डिफरेंस का मॉडुलस पूछा है सो मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन ये बताना आपने को तो बेटा आपको इसमें एक्स बार दे रखा है आपके पास में एक्स बार कितना है तो उसमें तो सिग्मा एक्स ले लेता तो हूं मैं पहले देखो सिग्मा एक्स सो हियर वी हैव फाइव ऑब्जर्वेशंस सो फाइव इंटू दैट इज ट्वेंटी इस फॉर्म में सो so, बाकी के दो ऑब्जर्वेशंस हमने क्या लेट कर लें ए एंड बी लेट कर लें ए एंड बी तो उसमें देखो आपके पास में थ्री प्लस फोर प्लस फोर प्लस ए प्लस बी क्लियर है तो आप ट्वेंटी सो व्हाट इज द ए प्लस बी ए प्लस बी आपके पास में यहाँ पे एट इलेवन नाइन नाइन आ गया क्लियर है अब अपने पास में वेरिएंस कितना है 5.2 तो इसको तो तो सिग्मा तो उसको क्या लिखोगे आप थ्री स्केर फोर तो आपके पास से मीन कितना दे रखा था दैट इज सिक्सटीन तो ये आपके पास में फोर स्केयर आ जाएगा फोर स्केयर तो सिक्सटीन इधर आएगा ठीक है तो आपके पास में ये कितना हुआ सो हेयर वी 16, 16, 32, 32 एंड 9, 41, 41 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन 5। इधर ये 16, तो 16 से इसमें जब ऐड करोगे तो कितना हुआ आपके पास में 21.2। वन so तो इसको आप करोगे तो आपके पास में 105, 106 हो गया 106। ऐसा हुआ A plus B तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो 41 कर दो इसमें से 41 किया तो आपके पास में 65 आ गया ए स्क्यर प्लस बी स्क्र इजिकल टू सिक्सटी फाइव इस फॉर्म में आ रहा है सो so, यहां से आपके पास में ए प्लस बी इजिकल टू नाइन एंड ए स्क्यर प्लस बी स्क्र इजिकल टू सिक्सटी फाइव तो अब मेरे को ये बताओ इसमें आप क्या करोगे ए बी निकाल लो यहाँ से इसका स्क्यरिंग कर लो स्केयरिंग किया तो कितना आता है स्केयरिंग स्क्यरिंग करने पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी इधर एटी वन यहाँ से वैल्यू डाल दिया इसका टू ए बी तो सिक्सटी फाइव इसमें से सबटेक्ट करेंगे तो क्या आएगा तो सिक्सटी फाइव यहाँ पे तो सिक्स वन सो ए बी इजिकल टू एट ए बी कितना आ रहा है एट आ रहा है ठीक है ए बी की वैल्यू एट हो गई अब अपने पास में क्या पूछा है ए माइनस बी होल स्क्र इधर ए स्क्यर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी इसकी वैल्यू सिक्सटी फाइव एंड दिस इज सिक्सटीन तो ये आपके पास में ए माइनस बी होल्स तो फोर्टी नाइन आ रहा है सो व्हाट विल द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज टू इज़ सेवन तो आंसर क्या हुआ आपके पास में सेवन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन क्वेश्चन दे एक्सप्रेशन नगेशन ऑफ नगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्वल टू तो आपके पास में ये कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इसमें ये हमें पता है भी इसका नगेशन क्या होता है नगेशन ऑफ P एम्प्लाइज Q तो so, इसका नगेशन आपके पास में P एंड नगेशन ऑफ Q तो नगेशन ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इज P इंटरसेक्शन मतलब P एंड नगेशन ऑफ Q तो इसका नगेशन आपके पास में फिर क्या आएगा तो इक्वल टू दिस तो नगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू तो ये आपके पास में दिस इंप्लाइज मतलब इक्वल टू नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू तो नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है ये स्... तो इसके आंसर क्या बनेगा इसका सेकेंड तो नेक्स्ट क्वेश्चन द मीन एंड वेरियंस ऑफ दिस सेवन ऑब्जर्वेशन आर एट एंड 4, 10, 12, 14, देन प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन बाकी की दो ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट पूछा है तो आपके पास में सेवन ऑब्जर्वेशन है ठीक है उसमें सेम ऐसे क्वेश्चन मतलब आपके पास में पहले भी आया है तो इसमें देखो आप कैसे सेवन ऑब्जर्वेशन है तो इसमें आप पहले क्या करोगे वो दो ऑब्जर्वेशन ए एंड बी लेट कर लें तो सिग्मा एक्स क्या आएगा पहले आपके पास में सिग्मा एक्स क्या हुआ हियर मीन एट इन टू सेवन दैट इज फिफ्टी सिक्स क्लियर है सो टू प्लस फोर प्लस टेन प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टीन प्लस ए प्लस बी फिफ्टी सिक्स ऐसा हो गया ये आपके पास में 26, 36 एंड 42, 42 आ रहा है तो 14. a प्लस बी इज इक्वल टू फोर्टीन ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में 14 आ गई अब इसमें आपके पास में वडी वेरिएंस इज 16. तो वेरियंस को देखो आपके पास में सिग्मा स्केयर तो 16 तो उसमें आपके पास में इनका सबका सम ऑफ द स्केयरस आएगा तो टू स्क्र प्लस फोर स्केयर एंड टेन स्केयर एंड 144 plus 196 प्लस a square plus प्लस ए upon प्लस बी यहां पे सेवन सो वट इज द मीन हेयर मीन कितना था आपके पास में एट था तो सिक्सटी फोर हो गया ऐसे so इधर आपके पास में ये 80 आ गया दिस विल बी इक्वल टू अब अपने पास में इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा टू हंड्रेड ये नाइन्टी सिक्स इसको सबको पहले क्या करेंगे फोर प्लस सिक्सटीन प्लस हंड्रेड ठीक है तो इसको ऐड किया तो आपके पास में कितना आ रहा है तो जीरो एंड थर्टीन फोर्टीन एंड थ्री हंड्रेड फोर्टी क्लियर है अपॉन सेवन इधर ए स्क्र प्लस बी स्क्र ठीक है तो इसमें फाइव सिक्सटी आ गया फाइव सिक्सटी इसमें ये आपके पास में फोर हंड्रेड 40 एंड 460 प्लस ए स्क्र प्लस बी इस फॉम में आ गया सो ए स्क्र प्लस बी स्क्र इजिकल टू बी है ये 100 के इक्वल आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र इजिकल टू 100 तो यहां से आप इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्केयरिंग करोगे तो क्या आएगा आपके पास में a स्क्वेयर प्लस दैट इज क्लियर है प्लस टू कर देंगे इसका ए स्क्वेयर प्लस इधर 96, ठीक so है, टू बी है, किसके कुल आ रहा था तो ये 96 बचेगा तो यहां पे 48, एट सो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जर्वेशन इज रिमेनिंग 48. एट नेक्स्ट वन अब इसमें देखें आपके पास में द कंट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर द सिटीजन यू आर दिटिजन्स ऑफ इंडिया तो इसका अपने को कंट्रापोजिटिव बताना है। तो कंट्रापोजिटिव मैंने आपको ये बताया था अभी तो कंट्रापोजिटिव ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू इसका क्या बताया था नगेशन ऑफ क्यू एम्प्लाइज नगेशन ऑफ पी इस फॉर्म में ठीक है तो अब इसमें इसका कंट्रापोजिटिव आप देख लें क्या आएगा पहले क्या लिखेंगे? इफ यू आर इफ यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया देन सॉरी nee इसका है ना है इसमें इफ यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया तो आपके पास में देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया ठीक है तो इन इंडिया तो फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स स्कोज द फॉलोइंग मार्क्स इन फाइव 45, 54, 41, 57, 43। थ्री स्कोर इज नॉट नॉन फॉर दिक्कस तो सिक्स टेस्ट में उसके मार्क्स का नहीं पता ठीक है इफ द मीन स्कोर इज दी 48। तो इन ऑल मीन कितना उसका 48 है क्लियर है इन द सिक्स टेस्ट तो सभी छह टेस्टों में तो so देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स इन सिक्स टेस्ट तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है क्लियर है ऑफ ऑल दी मार्क्स ऑपटेंड इन सिक्स टेस्ट तो अब इसमें आप करोगे कैसे देखो पहले तो हमने सिक्स टेस्ट में जो है लास्ट टेस्ट है जो उसका तो उसमें अपने मार्क्स निकाल लेते हैं वो कैसे निकालेंगे देखो इसमें तो सिग्मा एक्स ठीक है किसके कुल आएगा आपके पास में फोर्टी एट यहाँ पे कितना है मीन सो सेवन हाउ मेनी सिक्स इंटू फोर्टी एट ऐसा है क्लियर है तो इसमें आपके पास में 45 फाइव प्लस फिफ्टी प्लस फोर्टी एंड 57 एंड 43 क्लियर है प्लस से ये yeah. तो अब इसका सम निकालेंगे तो आपके पास में ये कितना आ रहा है आपके पास में 288 तो इसका सम निकालें तो आपके पास में 7 10 एंड इधर से 10 कुछ इसमें रह गया क्या फिर फाइव फि फोर्टी वन 43, ये टेन इलेवन फिफ्टीन टेन सो ये आपके पास में इधर टू फोर्टी आ रहा है so प्लस A. So A is equal to 48. ये पता लग गया. ठीक है अब अपने को मीन पता है ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है ना देखो आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिग्मा वेरिएंस की बात करता हूं मैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्केर अपॉन एन इस फॉर्म में निकाल लो ये सिंपल रहेगा तो बड़ी जमीन ये फोर्टी 48 है ना तो आपके पास में सिग्मा स्क्वेयर तो यहाँ से आपके पास में थ्री स्क्वेयर आएगा देखो पहले का तो यहाँ पे अर्थमेटिक बड़ी जमीन मीन 48 तो इसका थ्री स्क्वेयर एंड सेवन स्क्वेयर 48 था ना 48 एट सिक्स स्क्वेयर सॉरी सिक्स स्क्वेयर एंड इधर आपके पास में सेवन स्क्वेयर एंड 48, 9, 9 स्क्र एंड 5 स्क्र अपॉन 6, क्लियर है इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो क्या आता है आपके पास में इधर तो ये 20, 81. वन सीहर भी है नाइन प्लस सिक्स थर्टी प्लस एंड 81 एंड 25. अपॉन सिक्स क्लियर है तो यहां से फोर्टी फाइव हो गया ठीक है फोर्टी फाइव एंड दिस इज सेवेंटी सेवेंटी एंड दिस विल बी सो वन फिफ्टी वन सो टू हंड्रेड सो टू हंड्रेड सिक्बा स्क्र इज इक्वल टू टू हंड्रेड अपॉन सिक्स सो दिस विल बी सो बड़ी द स्टैंड डेविशन मतलब टेन अपॉन अंडू थ्री टेन अपॉन रूट थ्री सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट इज नॉट टोटोलॉजी तो इसमें देखा है कि भी कौन सी स्टेटमेंट क्या टोटोलॉजी नहीं है तो so, इसमें आप ट्रूथ स्टेबल से देख लो आप ट्रूथ स्टेबल से देखो आपके पास में पहले क्वेश्चन में देखो आपके पास में ट्रूथ स्टेबल अगर बनाते हैं तो पी क्यू इधर आपके पास में टी टी एफ एफ इधर टी एफ एफ इस फॉर्म में तो P और Q निकालना पड़ेगा P और Q इसमें क्या आएगा T दिस इज F सॉरी T दिस इज T दिस इज F अब अपने को P implies P और Q तो इधर आपके पास में देखो ये इसके लिए आपके पास में क्या आएगा T इधर T इधर T इधर T दिस इज टोटोलॉजी तो नेक्स्ट वन में देखें आपके पास में इसी में ही कर लेते हैं P एंड Q implies क्यू पी ऐसा है ना पहले पी एंड क्यू निकालना पड़ेगा अपने को पी एंड क्यू तो पी एंड क्यू क्या आ रहा है आपके पास में इधर से दिस इज टी दिस इज एफ ये एफ ऐसे ये इधर क्या है एफ अब अपने को पी एंड क्यू implies पी ये निकाल लो तो अब इसमें देखिए आपके पास में इधर की तरफ जाएगा ना टी तो ये टी इधर टी ये टी दिस इज आल्सो टोटल जी क्लियर अब इसमें देखिए आपके पास में इधर पी और क्यू तो आपने निकाल ही रखा है तो पी एंड नगेशन ऑफ क्यू निकाल लेते हैं तो पहले नगेशन ऑफ क्यू क्या आएगा आपके पास में तो नगेशन ऑफ क्यू नगेशन ऑफ क्यू वो आपके पास में एफ टी एफ टी इस फॉर्म में अब इसका अपने पास में पी एंड नगेशन ऑफ क्यू तो ये किसके बराबर आ जाएगा तो नगेशन ऑफ दैट इज एफ टी ठीक है इसके इसके साथ में एफ इधर आपके पास में एफ नाउ पी और क्यू एम्प्लॉइज पी एंड नगेशन ऑफ क्यू इसमें देख लें आप इसको देखें अपने जब इसमें लगाएंगे तो तो पी और क्यू ये रहा. तो ये एफ आएगा यहां पे एफ ठीक और इधर टी इधर एफ यहां पे टी सो दिस इज नॉट ए टोटोलॉजी तो ये कंप्लीट टोटोलॉजी नहीं बन रहा अपने पास में सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन क्लियर है तो नाइनटींथ का आंसर आपके पास में थर्ड इसको भी आप चेक कर सकते हो तो पी एंड क्यू पी एंड क्यू वो देख लेना आपके पास में ये ट्रूथ आएगा ठीक है ऑलवेज टोटोलॉजी आएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एनी टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू फिर रीजनिंग का है द नगेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इसका नगेशन पूछा वेरी सिंपल क्वेश्चन इसमें देखो आपके पास में नगेशन ऑफ दिस विल बी तो इसको पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप क्या आएगा पी और नगेशन ऑफ पी ऐसा ठीक है एंड पी और क्यू तो इसमें आपके पास में ये ये टी होता है हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ट्रू होता है तो ये आपके पास में टी एंड पी और क्यू तो एक्चुअल में ये आपके पास में किसके इक्वल आ गया ये तो एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट दे रखा बेटा दिस इज इक्वल टू पी और क्यू अब इसका नगेशन पूछा है तो नगेशन ऑफ पी और क्यू दैट विल बी हेयर नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू तो कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द स्टैंडर्ड डिशन ऑफ द नंबर माइनस वन जीरो सो वे आर के ग्रेटर देन जीरो के क्या आपके पास में ग्रेटर जीरोक्वल टू तो किस के किसके इक्वल है आपके पास में यह बताना है ठीक है अब इसमें स्टैंडर्ड किसके इक्वल दे रखा आपको रूट फाइव के तो इसमें सीधा ही है आप क्या करोगे सिग्मा फार्मूला लगाना है अपने पास में व्हाट विल बी इट्स अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज ऑल नंबर्स सो के अपॉन फोर तो के अपॉन फोर आ रहा ना तो वो आपके पास में और इधर आपके पास में क्या आएगा वन स्क्वायर जीरो स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये फार्मूला लगेगा तो so, अपॉन में फोर के अपॉन आपके पास में फोर होल स्क्र इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास में यहां पे फाइव रूट फाइव इधर के स्क्र प्लस टू अपॉन फोर माइनस के स्क्वेयर अपॉन सिक्सटीन क्लियर है तब स्केरिंग करें तो स्केरिंग पे आपके पास में क्या आएगा स्क्रिंग पे इसमें फाइव K, square plus, 4 4. K square तो के टू के स्क्यर प्लस कितना फोर आएगा फोर एल्सियम ले लें इधर एट माइनस के स्क्वायर अपऑन सिक्सटीन ये आपके पास में एटी सो थ्री के सो ये सेवेंटी टू क्लियर इस फॉर्म में आएगा ना तो थ्री so so के स्क्र तो के स्क्यर इज इकल टू ट्वेंटी फोर सो के इज इकल टू भी है के किसके को आएगा आपके पास में सो so ये टू रूट सिक्स तो के गिवन है पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना नहीं है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड वन बाईसवा क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन ये बाईसवाटिक्स का है द मीन एंड मीडियम ऑफ नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सो टेन ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन थर्टी फोर एक्स फोर्टी टू सिक्सटी सेवन सेवन आर फोर्टी टू एंड थर्टी फाइव वाई इज इक्वल टू तो ये आपके पास में यहां पे, तो टेन नंबर्स है तो इनका अर्थमेटिक मीन आपके पास में किसके इक्वल दिया हुआ है सो अर्थमेटिक मीन इज फोर्टी टू एंड मीडियन इज तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ नंबर टेन तो आपके पास में मीडियन इसमें इस में क्या आएगा आपके पास में सो मीडियन विल बी हेयर सो एन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन टूएथ प्लस वन ऑब्जर्वेशन अपॉन टू उनका आर्थमेटिक मीन रहता है जब आपके पास में ये पता है भाई तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो इवन हो तो उसके इसमें मीडियन हम किस तरीके से लेते हैं तो ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी हुआ है साथ में तो पहले मीन की बात करते हैं तो मीन आपके पास में किसके को यहाँ पे एक्स बार ही टेन प्लस ट्वेंटी टू इनका सबका सम करेंगे तो एक्स प्लस फोर्टी टू प्लस सिक्सटी सेवन प्लस सेवेंटी प्लस वाई अपॉन टेन क्लियर है तो इक्वल टू व्हाट फोर्टी टू ये आपके पास में इनका अर्थमेटिक मीन है so, इनका कर कर तो इनका सबका सम करें तो अपने पास में देखो ये सो ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन ऐसा है ठीक है प्लस तो ये थर्टी फोर अगर आप इनका सम करोगे तो ये आपके पास में ये थ्री हंड्रेड मिलेगा आपको थ्री हंड्रेड मिलता है ये सो थ्री हंड्रेड प्लस एक्स प्लस वाई ठीक है अपॉन ये तो क्या हो गया फोर ट्वेंटी तो आन, तो इसका ये कितना बन गया आपके पास में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सो वन ट्वेंटी तो ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास में अब आपके पास में मीडियंस की बात करते हैं तो मीडियंस इसमें देखो कैसे रहेगा अब आपके पास में सो मीडियन यहाँ पे डीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सो मीडियन ईयर मीडियन किसके इक्वल रहेगा थर्टी फाइव सो कौन सी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन अपॉन टू तो यहां से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपके पास में कौन सी है सो so, यहां से थर्टी फोर सो थर्टी फोर प्लस एक्स इज इक्वल टू थर्टी फाइव क्लियर तो ये यहाँ पे आपके पास में 70 तो 70 माइनस थर्टी फोर तो ये आपके पास में यहाँ पर किसके कुल आ गया ये तो थर्टी सिक्स इस फॉर्म में हो गया सो so, यहां से आप क्या y वाई की वैल्यू निकाल लो तो so, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये ट्वेंटी एंड सिक्सटीन तो एटी फोर सो वाई इज इक्वल टू एटी फोर सो एक्स अपॉन वाई तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू बी है थर्टी सिक्स अपॉन फोर तो ये आपके पास में थ्री अपॉन सेवन क्लियर है सो विच ऑप्शन इज हेयर करेक्ट हेयर सो वाई x अपॉन वाई पूछा ना तो एक्स अपॉन वाई तो यहाँ पे आपके पास में एक्सिस भी है यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास में थर्टी सिक्स आया ना तो यहाँ से थर्टी सिक्स एंड वाई इज़ एटी फोर ई इज है थ्री अपॉन सेवन तो यहां से आपके पास में x वाई ने यहाँ पे एक्चुअल में क्या है वाई अपॉन एक्स तो वाई अपॉन एक्स यहां पर तो इसका आपके पास में आंसर क्या है वाई अपन एक्स इज इक्ल टू सेवन अपॉन थ्री तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन नेक्स्ट क्वेश्चन p एम्प्लाइज क्यू और आर इज फॉल्स देन द्रूथ वैल्यू पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली तो ये आपके पास में फॉल्स है तो so, फॉल्स के लिए आपके पास में देखो इसमें एक ये कंडीशन तो रहेगी आपके पास में दिस इज क्या है पी एम्प्लाईज क्यू और आर ये आपके पास में इसका रिजल्ट किसके इक्वल है एफ के तो so, यहां से आपके पास में देखो ये दोनों स्टेटमेंट आपके पास में इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं हो सकता सो बोथ आर फॉल्स तो ये दोनों फॉल्स यहाँ यहां ये दोनों फॉल्स हैं तो एफ और एफ आपको पता है एफ मिलेगा यहां से क्लियर है तो ये आपके पास में यहां पे एफ नहीं हो सकती अब तो अगर ये एफ हो गया तो यहां से एफ मिलेगा तो यहां से भी एफ है तो एफ इंप्लाइज एफ इजिकल टू टी होता है इसमें तो ये आपके पास में टी रहेगा क्लियर है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हेयर सो टी एफ एफ सो हेयर वी द थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन If for some x belongs to R, the frequency distribution of the marks obtained by the 20 students in a test is आपके पास में मार्क्स कितने टू थ्री फाइव सेवन क्लियर है 2, 3, 5, तो ये थोड़ा सा गैप है यहाँ पे यहाँ पे सो So इज x प्लस वन खोल स्किया तो टू एक्स माइनस फाइव एक्सक्वेर माइनस थ्री एक्स एंड x तो so, आपको पता है सिग्मा x इज equal टू what? तो so, सिग्मा x इसका solution में देखो तो सिग्मा एक्स इजिकल टू बी एफ सिग्मा एफ सॉरी तो सिग्मा एफ रहेगा इसमें सिग्मा एफ इज टू वन ट्वेंटी ठीक है तो इसमें इनका सबका सम किसके आएगा ट्वेंटी के, तो आपके पास में एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव एंड प्लस एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स इज टू ट्वेंटी क्लियर है तो so, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है आपके पास में टू एक्स टू एक्स स्क्र एंड प्लस टू एक्स फोर एक्स ठीक है फाइव एक्स प्लस टू एक्स इधर से आपके पास में फाइव एक्स आएगा तो टू एक्स आ गया यहाँ से आपके पास में तो यहाँ से प्लस वन माइनस फोर माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व सो एक्स इज एकवल टू थ्री एक्स इज एकवल टू थ्री आपके पास में आएगा एक्स इक्वल टू माइनस फोर तो हो नहीं सकता क्लियर है तो आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होती है उसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास में एक्स इजिकल टू थ्री आ गया तो नेक्स्ट अब आपके पास में इसमें द मीन ऑफ तो मीन पूछा है इसका तो आपके पास में ये किस फॉर्म में बन गया देखो इसमें आप रखोगे तो यहाँ पे फोर सिक्सटीन एंड थ्री तो थ्री यहाँ रखा तो आपके पास में वन एंड फाइव यहाँ रखा आपके पास में जीरो एंड दिस इज सेवन एंड थ्री सो वट विल द मीन हेयर एक्स बार तो थर्टी टू प्लस प्रोडक्ट ऑफ दिस सम ऑफ़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री इधर ये जीरो ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी तो आप इसको सिम्प्लीफाई कर लो तो थर्टी फाइव एंड दिस विल बी फिफ्टी सिक्स सो फिफ्टी सिक्स दिस इज टू पॉइंट एट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वी है थर्ड वन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सो विच ऑफ द फॉलोइंग मुलियन एक्सप्रेशन इज ए टोटल हो जी तो आपको ये बताना भी विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज टोटल हो जी तो अपने ट्रूथ टेबल से इसको कर लो ठीक है तो ट्रूथ टेबल से अपने देखें अपने पास में सो पी क्यू इधर आपके पास में टी टी एफ 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 ठीक है अब इसमें बेटा आपके पास में T, F, T, F. इस में, इस फॉर्म तो पी और क्यू पी और क्यू आपके पास में किस फॉर्म में आएगा टी यहां पे टी ठीक है टी इधर एफ अब नाउ नगेशन ऑफ क्यू आगे। नगेशन ऑफ क्यू तो नगेशन ऑफ क्यू आपके पास में बेटा क्या हुआ ये एफ टी इसका नगेशन एफ एंड हेयर टी अब अपने पास में पी और क्यू पी और नगेशन ऑफ क्यू तो आपके पास में ये टी दिस इज टी एंड दिस इज एफ एंड दिस इज टी अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है सो इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सो पी और क्यू इंटरसेक्शन पी और पी और नगेशन ऑफ क्यू तो ये इनका एंड लिया है अपने पास में इन दोनों का एंड तो क्या आ रहा है आपके पास में यहां पे टी तो ये भी टी यहां से एफ दिस इज एफ सो दिस इज नॉट ए टोटोलॉजी तो ये टोटोलॉजी नहीं आ रहा तो अब अपने पास में इधर देखें अब इसमें पी एंड क्यू निकालना है एंड पी तो वो भी अपने देख लेते हैं इसमें तो इसमें P और Q एंड नगेशन ऑफ P तो नगेशन ऑफ P तो चलो पहले सेकंड को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा P एंड Q सो so P एंड Q एंड P एंड Q क्या आ रहा है आपके पास में T दिस इज F एंड दिस इज आपके पास में F दिस इज F ठीक है अब आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू तो नगेशन ऑफ क्यू ये रहा तो आपको पी एंड नगेशन ऑफ क्यू ये लेना है तो पी एंड नगेशन ऑफ क्यू ये इसको और इसको लेना है तो इसमें एफ आएगा एफ इधर आपके पास में टी आएगा और इसमें आपके पास में ये एफ आएगा तो इधर आपके पास में इधर एफ ठीक है तो इसमें इस इसका किया ना मैंने देखो एक मिनट इधर ध्यान से देखें एक बार इसमें तो ये आपके पास में एंड लिया तो एफ फिर इसका टी इसका आपके पास में एंड लिया एफ इसका एफ तो अब अपने पास में इधर यूनियन है तो इसमें यूनियन है तो ये आपके पास में क्या आएगा इसका टी इसका टी इसका टी बट हेयर एफ एफ तो ये भी नहीं है आपके पास में सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं देखो थर्ड में आपके पास में क्या है सो पी और क्यू एंड नगेशन ऑफ पी नगेशन ऑफ पी तो नगेशन ऑफ पी और निकालो तो नगेशन ऑफ पी क्या आ रहा है आपके पास में एफ एफ टी टी इस फॉर्म में तो so, अब अपने पास में नगेशन ऑफ पी और नगेशन ऑफ क्यू इसको देखें तो नगेशन ऑफ पी और नगेशन ऑफ क्यू तो आपके पास में ये तो नगेशन ऑफ क्यू इधर ये तो so, ये आपके पास में एफ ये एफ आएगा अब इसमें आपके पास में टी ये आपके पास में टी इधर आपके पास में टी ठीक है तो अब अपने को देखो किसके साथ में इसका पी और क्यू के साथ में लेना है तो पी और क्यू हमने कहीं निकाला होगा पहले देखो ये रहा, तो ये आपके पास में टी और एफ टी तो ये बाकी का सारे टी आएंगे तो आपके पास में ये टी 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 आ रहा है तो कौन सा कौन से बात कर रहा हूं मैं यहां क्यू ठीक है एंड यहाँ पे आपके पास में तो यहाँ पे एंड था एंड तो ये सॉरी इसमें क्या आ रहा है आपके पास में पी और क्यू तो एंड ये इसके साथ में इसकी बात कर रहे हैं नहीं? तो ये ये आपके पास में एफ ही आएगा एफ so तो दिस इज नॉट डे टोटल तो फोर्थ ऑप्शन और चेक कर लें इसमें तो फोर्थ में आपके पास में क्या है पी और क्यू तो पी और क्यू हमने पहले निकाला हुआ ये फिर आपके पास में ये भी निकाला हुआ है तो इसमें आपका यूनियन करना है तो यही ऑप्शन ले लेते ले हैं यहां से देखो आप इसमें क्या करें ये वाला ठीक है तो इसमें यहां पे और आएगा तो ये P इधर P और Q इसी को ले लेते ले हैं यहां पे ठीक है तो अब इसमें देखो ये हमारे पास में पहले से पढ़ा है दिस टी दिस, ती, दिस, ती, दिस ती। तो आंसर टू तो दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन तो इसमें ये ट्रुथ आ रहा है तो, तो

तो 16 क्या आपके पास में मीन है और सिक्सटीन ही क्या इसमें स्टैंडर्ड डिविशन है फिर आपको पूछा है कि इनका आर्थमेटिक मीन कितना है एक्स वन माइनस फोर होल स्केयर एक्स टू माइनस फोर होल स्केयर तो इसमें देखो सिंपल है ये क्वेश्चन इसमें पहले आपके पास में देखो क्या गिवन है सो अर्थमेटिक मीन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इनका सबका अर्थमेटिक मीन लिख लेते हैं एक्स फिफ्टी अपॉन सो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर फिफ्टी क्लियर है सो दिस इज सिक्सटीन तो ये आपके पास में इनका सबका सम कितना आ गया आपके पास में इनका सबका सम हियर वी हैव 800 क्लियर तो अब आपके पास में स्टैंडर्ड डिविशन गिवन है तो स्टैंडर्ड डिशन का फार्मूला क्या आपके पास में होता है सिग्मा स्क्वायर तो वो सिग्मा सिग्मा इसमें आपके पास में इधर क्या आएगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर इस फार्मूले में रखेंगे अपने तो देखो अब इसमें क्या आपके पास में सिक्सटीन स्केयर आ जाएगा सिक्सटीन स्कोर तो इधर क्या आएगा सम ऑफ ऑफ तो x1 स्केयर प्लस एक्स टू इस तरीके से रहेगा प्लस एक्स फिफ्टी अपॉन फिफ्टी इसमें आपके पास में मीन सिक्सटीन तो ये फाइव हंड्रेड ट्वेल्व हो गया इधर फाइव हंड्रेड ट्वेल्व सो एक्स वन प्लस एक्स टू एक प्लस एक्स थ्री स्क्र तो ये आपके पास में किसके कुल आया सो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व में तो so, ये वैल्यूज मैंने निकाल के रख ली इनकी वैल्यूज इसको यूज करेंगे अब इनका आपको पा, अर्थमेटिक मीन पूछा है तो इनका अर्थमेटिक मीन करेंगे तो देखो एक्स बार इज इक्वल टू वट तो इसमें देखो सबका ऐड करेंगे ना तो एक्स वन स्क्र माइनस फोर होल स्क्र एक्स टू माइनस फोर होल स्टूडेंट्स इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो अब यहां से ये 50 है. तो सबका स्क्र so तो उसकी वैल्यू हमारे पास में ये है अब सब में देखो यहाँ पे क्या आएगा एट एक्स वन माइनस एट एक्स टू ऐसे ही आएगा माइनस एट एक्स थ्री एंड माइनस एट एक्स फिफ्टी तो लास्ट में फोर क्या आएगा, आएगा आपके पास में तो फोर मतलब सिक्सटीन सिक्सटीन भी लगकर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स फिफ्टी टाइम्स तो देखो इसको मैंने ऐसे लिखा एक्स वन स्क्र प्लस एक्स टू अप टू एक्स फिफ्टी सो माइनस एट कॉमन आ जाएगा बाहर इधर आपके पास में एक्स वन प्लस एक्स टू इस फॉर्म में एक्स फिफ्टी क्लियर है तो अब आपके पास में इधर तो 16 इंटू फिफ्टी ऐसे लिख दिया मैंने अपॉन 50 अब इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है सो दिस इज 512, 512 इसको 512 हंड्रेड ट्वेल्व इंटू फिफ्टी इट्स वैल्यू इज पी है 800 तो 800 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास में 8 इंटू एट क्लियर है सो so, ये सिक्सटीन इंटू फिफ्टी तो अपॉन में फिफ्टी तो देखो फिफ्टी इसमें तो ये आपके पास में फाइव हंड्रेड ट्वेल्व सो हियर दिस इज सिक्सटीन सिक्सटीन एट जा कितना होता आपके पास में तो सिक्सटीन एट जाग वन टू एट क्या वन टू एट सो वन टू एट माइनस वन टू एट प्लस सिक्सटीन ये आ गया ठीक है तो अब अपने पास में देखो इसमें क्या आएगा 112 आ गया ये 112 इसमें ट्वेल्व होगा तो क्या हुआ 400 आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 400 सो हंड्रेड मीन इज 400 नेक्स्ट क्वेश्चन द नेगेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन ये रीजनिंग का है बट आप देखो इसमें द नेगेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन इसका नेगेशन पूछा है तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा तो इसका इक्वलेंट तो कैसे आएगा नगेशन ऑफ एस और नगेशन ऑफ आर एंड एस तो पहले आपको इसका नगेशन पूछा है तो पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, आएगा आपके पास में नगेशन ऑफ एस नगेशन ऑफ आर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नगेशन ऑफ एस को तो किसके साथ में तो ये एंड आएगा इधर नगेशन ऑफ एस ठीक है ये और एस तो ये आपके पास में नगेशन ऑफ एस एस तो क्या होता है ये टी होता है ठीक है ऑलवेज ट्रू होता है तो आपके पास में इधर तो नगेशन ऑफ एस और नगेशन ऑफ आर एंड दिस इज टी तो ये आपको पता है इसमें ये ट्रू है तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा मतलब एंड क्या आएगा ये वाला आएगा तो आपके पास में दिस इज नगेशन ऑफ एस ठीक है और क्या आएगा नगेशन ऑफ एस और नगेशन ऑफ आर इसका आपको क्या लेना है द नगेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो इसका आपको नगेशन लेना है तो इसका नगेशन फिर आपके पास में क्या आएगा इसका ऑफ ऑफ एस एंड आर सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकेंड वन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ट्वेंटी एट्थ इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज नगेशन ऑफ क्यू और आर इज फॉल्स तो आपके पास में इसकी जो फाइनल जो रिजल्ट है इसका क्या कह रहा है वो ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स सो देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दी क्यू दी क्यू आर रिस्पेक्टिवली तो देखो अब इसमें आपके पास में तो नगेशन ऑफ क्यू और आर इसका रिजल्ट क्या आपके पास में एफ है फॉल्स है इसका मतलब क्या है ये आपके पास में ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ये वाला जो है फाइनल जो है ये आपके पास में फॉल्स है तो फॉल्स कम मिलेगा जब आपके पास में दोनों फॉल्स हैं तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है ठीक है अब जब ये आपके पास में फॉल्स है तो दिस मस्ट आल्स बी दिस मस्ट भी ट्रू ये ट्रू होना चाहिए अगर ये एफ हो गया ये दोनों एफ है तो देन रिजल्ट विल बी है टी तो फिर उसके इसमें टी आएगा तो अब इसमें देखें आपके पास में व्हाट विल बी द स्टेटमेंट क्यू इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी इसकी टू टी हो गई इसकी एफ हो गई और इसकी टी हो गई सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन सो क्लियर है तो अब आपके पास में इसका आंसर क्या आ गया थर्ड ऑप्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन द बुलियन एक्सप्रेशन this boolean expression is equivalent to very simple इसका आपको क्या है नगेशन पूछा है तो नगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट तो ये तो नगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट मतलब इसका क्या आएगा आपके पास में नगेशन ऑफ p इंप्लाइज q सो so ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास में ये तो p एंड नगेशन ऑफ q तो व्हाट विल बी हियर तो इसका आपके पास में क्या रहेगा तो नगेशन ऑफ इंप्लाइज नगेशन ऑफ क्यू तो वेरी सिंपल पी एंड नगेशन ऑफ नगेशन तो क्या आएगा ऐसे क्यू हो जाएगा सो पी एंड क्यू सो विच ऑप्शन इज योर्थ ऑप्शन तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन तो लॉजिक फिर रीजनिंग क्या है बेटा एक क्वेश्चन तो द लॉजिकल स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज नगेशन ऑफ पी इज इक्वल एंड टू तो अपने को इसमें ट्रूथ टेबल बना लो ये क्वेश्चन जैसे टेबल से आप इसको कर लो बिल्कुल इजी रहेगा तो देखो इसमें टी टी एफ एफ सो टी एफ टी एफ ठीक है तो ट्रूथ टेबल से करेंगे बिल्कुल अब इसमें पी इंप्लाइज क्यू तो इसमें आपके पास में टी दिस इज एफ दिस इज टी एंड दिस इज टी ऐसा हो गया सो नगेशन ऑफ क्यू पी नगेशन ऑफ पी निकाल लो आपके पास में नगेशन ऑफ पी दी टी ऐसा हो गया अब बेटा इसके साथ में Q इंप्लाइज Q इंप्लाइज नगेशन ऑफ P ये निकाल लो तो इसमें आपके पास में F दिस इज एफ दिस इज टी एंड दिस इज टी दिस इज टी ये आ गया आपके पास में अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू तो दोनों का देखो P इंप्लाइज Q इंटरसेक्शन मतलब एंड एंड देखना इनका तो नगेशन ऑफ P ये तो दोनों का एंड देखेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है इसमें तो इसमें इन दोनों का एंड देखेंगे सो so, P इंप्लाइज तो ये आपके पास में एफ ठीक है इधर आपके पास में दिस इज एफ ठीक है एंड टी एंड टी सो व्हाट विल बी दिस दिस विल बी नगेशन ऑफ पी तो नगेशन ऑफ पी आ रहा ना नगेशन ऑफ पी तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन में देखें थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है विच ऑफ विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज टोटलॉजी तो कौन सा इसमें आपको बताना है भी टोटोलॉजी है तो आप इस क्वेश्चन को ट्रूथ स्टेबल से कर लो तो क्वेश्चन सिंपल है देखो इसमें क्या है तो P, Q, दो स्टेटमेंट है तो T, T, F, F। तो इधर T, F, T, F। तो पहले अपने पहला ऑप्शन देखो आपके पास से P इम्प्लाइज Q है सो so P इम्प्लाइज Q इसमें पहले ये बनाओ तो इसमें क्या आएगा आपके पास में T, दिस इज F, दिस इज T दिस इज T इस फॉर्म में आ गया अब अपने को इसका इंटरसेक्शन एंड लेना है इसके साथ में तो पी एंड पी इंप्लाइज़ क्यू ऐसे हैं. तो इसका एंड लेंगे तो आपके पास में टी ये आपके पास में एफ ये आपके पास में एफ दिस इज एफ अब ये आपके पास में पी एंड पी इंप्लाइज़ क्यू ये सारा इंप्लाइज़ टू क्यू है तो क्यू की तरफ आपको लेना है क्यू की तरफ तो देखें अब इसमें इसका दिस इज टी देखो इधर की तरफ टी दिस इज टी और ये भी टी ये भी टी सो द फर्स्ट ऑप्शन गिव्स यू टोटल दोटोलॉजी तो ये ऑलवेज ट्रू आ रहा है ना तो ये आपके पास में आंसर आ गया आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन ये स्टैटिस्टिक्स का है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेन ऑब्जर्वेशन आर ट्वेंटी एंड टू तो मीन कितना है ट्वेंटी है और स्टैंडर्ड डिशन कितना है इसका टू है ईच ऑफ दीज टेन ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई ईच ऑफ दी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई टू एंड देन रेड्यूस्ड बाई क्यू तो फिर आपके पास में हर एक ऑब्जर्वेशन को पी से मल्टीप्लाई किया और क्यू उसमें से सब कर दिया मतलब इसमें क्या होगा आपके पास में तो पी एक्स माइनस क्यू इस तरीके की ऑब्जर्वेशन रहेगी फिर वेयर पी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इफ द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डिविशन बिकम हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू तो आपके पास में देन क्यू इज इक्वल टू तो फिर क्यू बताना है इसमें सॉल्यूशन देखो इसमें क्या आएगा आपके पास में न्यू मीन क्या आएगा आपके पास में न्यू मीन न्यू मीन विल बी एयर पी एक्स बार माइनस क्यू इस फॉर्म का आएगा आपके पास में तो एक्स बार इज क्या है अर्थमेटिक मीन ऑफ दी या मीन ऑफ दी ओरिजिनल विदाउट एनी ऑपरेशन विदाउट अप्लाइंग एनी ऑपरेशन उन पर कोई ऑपरेशन लगाए बगैर तो वो आपके पास में ओरिजिनल जो पहले वाला ओल्ड मीन है वो आपके पास में एक्स बार है तो वो आपके पास में न्यू मीन बिल बी यार पी एक्स बार माइनस क्यू ये आएगा दिस इज इक्वल टू तो वट हाफ ऑफ दी देर ओरिजिनल तो वो ओरिजिनल का हाफ है आपके पास में तो आपके पास में ये 10k इक्वल आएगा 10k तो ये आपके पास में किसके इक्वल आ गया यहाँ पे 20p तो 20p q is equal to 10 इस फॉर्म में एंड नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीशन इसमें स्टैंडर्ड डिवीशन आपके पास में क्या रहेगा तो ईच इज ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट p क्लियर एंड रिड्यूस्ड बाय q तो उस केस में आपके पास में दैट विल बी द Modulus of p and what is the sigma? So before the multiplying the each observations by p and reduced by q. So sigma is the क्या है आपके पास में तो स्टैंडर्ड of ऑफ original ऑब्जर्वेशन जो पहले की ऑब्जर्वेशन है बगैर उसको p से मल्टीप्लाई किया और q reduce किए हुए तो ये आपके पास में दिस इज इक्वल टू what तो ये आपके पास में न्यू न्यू क्या आएगा आपके पास में एस टी आ गया न्यू इक्वल टू देयर ओरिजिनल तो ये आ गया अब अपने पास में इसमें पुराने वाला रख दिया तो सो हेर दिसवल टू प्लस माइनस वन अपॉन टू तो ये पी की वैल्यू आप इसमें डालोगे जब आप वन अपॉन टू डालो चाहे तो so यहां पे क्यू की वैल्यू आपके पास में क्या आ रही है वो देखो इसमें यहाँ पे तो वन अपॉइंट टू डाला आपके पास में यहाँ पे तो Q इज इक्वल टू ट्वेंटी आ रहा है एक तो अरे Q इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी आ रहा है सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर तो आपके पास में ये थोड़ा सा दूर लिखा हुआ है बेटा यहाँ लिखा होना चाहिए माइनस टेन ठीक है तो इधर ये ध्यान रहे तो ये आपके पास में ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज माइनस ट्वेंटी तो ये माइनस टेन आएगा तो माइनस इज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थर्ड क्वेश्चन में देखो इसमें बिच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है बेटा अब इसमें देखें आपके पास में टेबल से इसको कर लो तो टेबल से किस टाइप से आएगा आपके पास में देखें P Q T T F F इधर T F T F सो so, P और Q निकाल लो पहले P और Q सो so, दिस T टी ये टी ये क्या आएगा आपके पास में एफ ठीक है इस फॉर्म में आ गया तो अब अपने पास में इधर तो नगेशन ऑफ क्यू निकाल लेते हैं नगेशन ऑफ क्यू क्या आ रहा है आपके पास में नगेशन ऑफ क्यू एफ इधर टी एफ और टी इस फॉर्म में आएगा अब पी और नगेशन ऑफ क्यू नगेशन ऑफ क्यू इस फॉर्म में तो इसका देखो आपके पास में ये क्या आएगा टी ये भी आपके पास में टी दिस इज एफ एंड दिस इज टी तो इसका फिर आपके पास में नगेशन इसका नगेशन क्या आएगा आपके पास है पी और नगेशन ऑफ क्यू इस फॉर्म में ये इसका नगेशन क्या आएगा एफ एफ टी एफ ये आ गया अब नाउ नगेशन ऑफ पी और नगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी और क्यू ऐसा है तो ये किसकी तरफ है आपके पास में तो इससे देखो आपके पास में दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज टू दिस इस. तो इसमें आपके पास में दिस टी टी ये भी टी. अब आपके पास में ये क्या आ रहा टी? तो है टी क्लियर तो दिस इज टी सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट फर्स्ट वन तो आपके पास में सो हियर भी है आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट मीन एंड वेरियंस ऑफ दी ये फिर स्टेटिस्टिक्स का मीन एंडियंस ऑफ दब्जर्वेशउंड टू बी टेन एंड फोर रिस्पेक्टिवलीन रीचे ऑब्जर्वेशन नाइन वॉज इनकोरेक्ट एंड द कुरेक्ट ऑब्जर्वेशन वॉज इलेवन सो अपने गलती से क्या है ग्यारह को क्या ले लिया नो ले लिया तो एक्चुअल में जो आपके पास में जो सही ऑब्जर्वेशन थी वो बेटा ग्यारह थी तो अब आपके पास से पहले तो देखो इसमें जो अर्थमेटिक मीन जो आपको दे रखा है ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन का वो आपके पास में टेन दे रखा है तो अपने करेक्ट वो निकालेंगे अर्थमेटिक मीन निकाल मीन निकालेंगे ठीक है तो अब इसमें पहले तो ये रोंग आपके पास में मीन दे रखा है रोंग इसका आपके पास में वेरिएंस दे रखा है तो अपने को सही वेरिएंस इसमें पूछा गया इसमें सही वेरिएंस पूछा है तो वो देखो इसमें कैसे आएगा पहले तो इसमें रोंग का देख लेते हैं सिग्मा एक्स कितना आपके पास में तो हे हेयर रोंग सिग्मा एक्स वो आपके पास में टेन इंटू ट्वेंटी दैट इज टू हंड्रेड सो सो करेक्ट क्या है आपके पास में करेक्ट सिग्मा एक्स बेटा करेक्ट सिग्मा एक्स क्या आएगा टू हंड्रेड माइनस नाइन प्लस इलेवन सो दैट इज टू हंड्रेड टू ये आ गया तो आपके पास में मीन क्या हुआ फिर इसमें आपके पास में अर्थमेटिक में, मीन न्यू मीन सो बी है ठीक है तो ये ट्वेंट्रेड टू अपॉन ट्वेंटी क्लियर है तो ये आपके पास में दो से डिवाइड करेंगे तो टेन पॉइंट वन आ गया टेन पॉइंट वन तो नेक्स्ट वन है आपके पास में इसमें अब आपके पास में इनकोरेक्ट तो वो आपके पास में देखो यहाँ से तो सिग्मा स्केयर क्या आएगा ये तो सिग्मा एक्स एक्सकेयर अपॉन यहाँ पे एन तो ये इसमें टेन का स्क्यर दे रखा था आपको ठीक है वो रख देते हैं इसमें ये कितना आपके पास में दिस इज वेरिएंस इज हियर फोर ठीक तो है तो ये रॉन्ग है तो ये सिक्मा एक्सकेयर आपके पास में तो दिस इज ट्वेंटी तो ये आपके पास में हंड्रेड ठीक है तो ये इधर 104, so सो सिग्मा एक्सकेयर सो 104 into 20, clear क्लियर है तो ये आपके पास में कितना आ गया सो so, 1080, ये रहेगा ठीक है तो ये आपके पास में इसमें सो टू थाउजेंड सॉरी टू थाउजेंड एटी ठीक है तो ये रोंग है तो correct क्या आया फिर आपके पास में कोेक्ट सिग्मा एक्सक्र वो निकाल लेते हैं तो वो तो so, 2080 माइनस 9 स्क्यूअर प्लस 11 स्क्यूअर तो so, ये 81 तो so, वो आपके पास में 19 और वो उधर क्या आ गया आपके पास में सो 40. So, 40 तो 40 ऐड हो जाएगा तो so, इसमें 40 ऐड करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा तो so, यहाँ से 40 ऐड कर दिया 120 तो ये तो so, 2120 आ जाएगा ना 2020 तो so, ये इसमें फिर आपके पास में So, correct, correct sigma सिग्मा that दैट विल equal इक्वल टू इक्वल आएगा आपके पास में अपॉन twenty इस फॉर्म में माइनस here दिस विल बी ten point वन स्क्र इसको आप सिंप्लीफाई कर लो ये आपके पास में कितना आएगा वन हंड्रेड सिक्स माइनस इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे इसको निकालोगे तो ये आपके पास में यहाँ पे टेन पॉइंट वन का जो भी आ रहा है तो ये थ्री पॉइंट नाइन नाइन आएगा ओके तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये रीजनिंग क्या बेटा द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट अंडव इज एन इंटीजर ठीक है तो ये यहां पर क्या है हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है यहां पे क्या है तथा आएगा तथा ठीक है और इधर आपके पास में ऊपर वो सही है इज एन इंटीजर और फाइव इज इेशनल तो और फाइव इज इेशनल तो इसमें अब इसका नगेशन की बात करता है तो देखो स्टेटमेंट आपके पास में कैसा है तो पी और क्यू ऐसा कह रहा है ठीक है इसका नगेशन फिर आपके पास में क्या आएगा नगेशन तो सिंपल सी डी डिमोर्गन ला लगा दे सो नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू ये अब इसको वर्ड में एक्सप्रेस कर लो बेटा तो बिल्कुल ईजी रहेगा अब इसमें क्या है अंडुड फाइव इज नॉट एन इंटीजर एंड एंड आएगा फाइव इज नॉट इेशनल क्लियर है तो इसमें आपके पास में आंसर टू दिस क्वेश्चन इज तो यहां से आपके पास में फोर्थ वन तो फोर्थ इसका आंसर आएगा ठीक है तो इसमें आपके पास में अगर हिंदी में आप इसमें देखते हो ना तो ये यह यहां पर क्या है इधर इधर या लगा हुआ है ठीक है तो आंसर क्या बन रहा है इसमें फोर्थ वन ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन में बेटा देखें अपने पास में क्या है लेट द ऑब्जर्वेशंस xi आई कहां से कहां तक है 1 टू 10 है सेटिस्फाई द इक्वेशन तो ये आपके पास में इनका सबका सम कितना दे रखा है 10 दे रखा है एंड एक्स माइनस फाइव एक्स आई माइनस फाइव होल्स के तो सिग्मा है वेरिज फ्रॉम आई इज वेरिज फ्रॉम वन टू टेन इज इक्वल टू फोर्टी सो म्यू एंड सिग्मा मतलब म्यू एंड लेमडा आर द मीन एंड वेरियंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन सो वेरियंस क्या आपके पास mean and variance of the observations है मीन एंड वेरियंस ऑफ दब्जर्वेशन है सो फिर आपको पूछे है, तो एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस थ्री एक्स टेन माइनस थ्री देन दियर म्यू लेमडा इज इक्वल टू अब देखो इसमें आपके पास में मैं एक बात बता देता हूं यहां पर आपके पास में देखो x1 x2 x3 है आपके पास में 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसमें ईच ऑब्जर्वेशन इज रिड्यूस्ड बाय 5 हर एक ऑब्जर्वेशंस को किस कितना कम कर दिया उसमें से 5 कम किया सो देन देयर सम इज 10 तो उनका सम कितना आ रहा है आपके पास में 10 आ रहा है क्लियर है तो अब आपके पास में व्हेन ईच दे रखा है, है? ठीक तो अब आपके पास में यहां पर देखें इसमें बात करता हूं मैं अब इसमें, तो ये देखो अब ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय थ्री तो एक आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन की एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास में यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस तो मीन और वेरिएंस की बात कर ले मतलब इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूँ अगर आपके पास में कोई सीरीज या कोई डेटा में आपके पास में ऑब्जर्वेशन दी हुई है तो इफ इच ऑब्जर्वेशन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम कोई चेंज नहीं आएगा तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं रहेगा तो वो वही रहेगा उसमें आपके पास में यहाँ पे वेरिएंस कितना आपके पास में यहाँ पे तो लमडा कह रहा है तो ठीक है ना तो देन आपको इसका वेरिएंस निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा इसमें इसका पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा so, सो तो वही वेरिएंस इसका रहेगा तो आपके पास में पहले वो वेरिएंस की बात कर लेते हैं तो वेरिएंस किसके कुल आएगा आपके पास में वेरियंस यहां पे तो दैट विल बी गिवन बाई द फाइव होल स्केयर अपॉन हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन कितनी ऑब्जर्वेशन तो टेन ऐसा आएगा माइनस इधर की बात करें अब इसमें तो इसमें तो सिग्मा इनका ठीक है अर्थमेटिक में इनके फॉर्म में जैसे वो दे रखा आपको तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास में इसका वेरिएंस निकाल दो चाहे आप ईच ऑब्जर्वेशन डिक्रीज बाय फाइव तो उसका चाहे निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें देखो आपके पास में क्या आएगा यह आएगा सिग्मा ठीक है सो वन टू टेन है जो भी है अपॉन में क्या आएगा इसका सो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देर टेन क्लियर है तो तो इसमें आपके पास में कितना आ रहा है सो फोर्टी अपॉन टेन एंड दिस इज क्लियर है इसकी वैल्यू कितनी है टेन तो so, ये वन आ गया तो so, ये आपके पास में थ्री सो इज इक्वल टू थ्री तो लेमडा आपके पास में वेरियंस वही रहेगा सो अर्थमेटिक मीन में देखो आपके पास में क्या है ईच ऑब्जर्वेशन से पहले आपके पास में डिक्रीज बाय कितना है तो उसमें अर्थमेटिक मीन पहले कितना आपके पास में वैन डिक्रीज बाय फाइव वो निकाल लेते हैं वन ठीक है तो वन है ना तो आपके पास में वेन ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाई द फाइव सो अर्थमेटिक मीन इज वी हैव अब नाउ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई वट टू दो बढ़ा दिया हर एक ऑब्जर्वेशन में टू बढ़ा दिया तो आर्थम मीन भी मीन भी क्या है आपके पास में द मीन इज ऑल्सो इंक्रीज बाई द सेम क्वांटिटी तो मीन भी उसी सेम क्वांटिटी से इंक्रीज हो जाएगा तो आपके पास में इस केस में मीन क्या है? आपके पास में इसका वन है तो अब नए सेट ऑफ दर्वेशन का मीन कितना रहेगा आपके पास में थ्री सो म्यू इज इक्वल टू थ्री आपके पास में आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सेवन क्वेश्चन में तो देखो बेटा इसमें क्या है आपके पास में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये आपके पास में स्टेटमेंट दे रखा पी इम्प्लाइज पी नेगेशन ऑफ p एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली तो एक तरीका तो ये कि आप इसको ऑप्शन को इसमें लगा लगा कर देख लो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है तो आपके पास में देखो अगर पी की वैल्यू देखो इसको पहले आप स्टेटमेंट को लिख लो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू तो इसमें देखो आपके पास में अगर मैं ये एफ लगाता हूँ एफ ठीक है तो ये एफ हो गया और इसमें ये टी है तो ये आपके पास में एफ आया तो एफ एंड एफ क्या आएगा एफ आएगा तो इसमें रिजल्ट क्या मिल रहा है टी मिल रहा है आपको तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो है नहीं तो सेकंड की बात करते हैं अगर सेकंड में देखो आपके पास में ये एफ है तो ये एफ हो गया तो ये आपके पास में नगेशन ऑफ दिस विल बी हेयर ये भी आपके पास में क्या आएगा इधर तो टी इसमें आपको मिलेगा एफ यहां से एफ मिलेगा तो एफ एम्प्लाइज एफ तो आपके पास में टी आ रहा है यहां से भी रिजल्ट क्या मिला टी मिला आपको ठीक है अब उसमें बात करते हैं अपने इसकी बात करते हैं थर्ड ऑप्शन में देखो थर्ड में आपके पास में क्या है टी टी और इधर एम्प्लॉज इधर टी तो ये आपके पास में यहां से टी मिलेगा ये इसका नगेशन जब एफ है ना ये ये जब आप एफ एफ़ का जिम करोगे तो ये इसका नेगेशन क्या हो जाएगा फिर आपके पास में टी तो टी एंड टी तो आपके पास में कौन सा इसमें मैच कर रहा है फॉल्स कर रहा है ना तो ये आपके पास में तीनों में टी ती आ रहा है अब लास्ट वाले में देखिए आपके पास में यहाँ पे तो अपने को फॉल्स चाहिए तो इसमें लास्ट वाले में देखो आपके पास में पैर टी फिर एम्प्लाइस फिर टी इधर एंड एफ आ गया तो यहाँ से एफ मिलेगा आपको तो टी इंप्लाइज एफ दिस इज एफ तो आपके पास में आंसर क्या आ रहा है इसका फोर्थ वन तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ नेक्स्ट फिर बेटा आपके पास में ये स्टेटिस्टिक्स का है इफ द डाटा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स टेन इज सैट ऑफ द फर्स्ट फोर दिस इज इलेवन ठीक है पहले चार का अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है आपको ग्यारह दे रखा है द मीन ऑफ द रिमेनिंग सिक्स इज सिक्सटीन

इनका सम कितना हुआ ग्यारह तो ये फोर्टी फोर क्लियर है एंड फिर आपके पास में एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन एक्स एट एक्स नाइन एक्स टेन तो बाकी के आपके पास में छः का आपके पास में क्या है मीन कितना दे रखा आपके पास में सिक्सटीन तो ये हो गया आपके पास में सिक्सटी सॉरी सिक्सटीन इंटू सिक्स ऐसा सो so, 96 सिक्स तो इसका सबका इनका सबका सम क्या हुआ फिर आपके पास में एक्स वन सो वट इज द एक्स वार अर्थमेटिक मीन विल बी हेयर ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशन टेकिंग कंबाइन भी तो इसको कंबाइन करके ले लेते हैं तो देखो आपके पास में ये कितना हुआ 140 सो वन फोर्टी अपॉन हेयर वी हैव 10 सो दिस इज 14 तो so 14 आपके पास में इसका अर्थमेटिक मीन आ गया अब अपने पास में सम ऑफ द स्केयर दे रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा ही फार्मूला लगाना है अपने को देखो क्या है सम ऑफ द स्केयर्स तो इधर सम ऑफ द स्केयर्स आता है अपॉन ऑन एन इधर क्या आएगा आपके पास में एक्स बार स्क्वायर तो इसमें बेटा फिर आपके पास में ये टू थाउजेंड एंड दिस इज टेन माइनस फोर्टीन स्क्वायर तो ये आपके पास में कितना है सो so, यहाँ पे सो वन नाइन सिक्स दिस इज फोर तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये फिर बेटा रीजनिंग का है क्वेश्चन देखो ए बी सी एंड डी बी द फोर नॉन एम्प्टी सेट्स चार नॉन एम्प्टी सेट्स है कंट्रापोजिटिव बताना है इसका ठीक है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ डी देन ए इज द सबसेट ऑफ सी तो कंट्रापोजिटिव ऑफ ये पता है ना आपको देखो कंट्रापोजिटिव ऑफ पी इंप्लाइज क्यू इसका कंट्रापोजिटिव so, क्या होता है उसका पी इंप्लाइज क्यू का कंट्रापोजिटिव ये बताया वो मैंने नगेशन ऑफ पी क्यू इंप्लाइज नगेशन ऑफ पी ये इस फॉर्म में क्लियर तो इसमें आपके पास में देखो अब पहले क्या लिखा जाएगा इसमें a इज नॉट ऑफ c If A is नॉट सबसेट ऑफ सी देन देन आपके पास में नगेशन उसका लेना है देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी ऐसा आएगा इफ देन ए B इज नॉट D, ठीक है तो ये आपके पास में कौन सा ऑप्शन बैठता है इसमें तो फोर्थ ऑप्शन सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा इसमें देखें अब आपके पास में इफ द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज टेन एंड द वेरियंस ऑफ द फर्स्ट एम इवन नेल नंबर इज सिक्सटीन देन एम प्लस एन इज इक्वल टू तो ये आपके पास में फिर किसका क्वेश्चन है ये तो स्टेटिस्टिक्स का है तो आपके पास में ये एक फार्मूला होता है दस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स तो वो क्या फार्मूला रहता है इसमें अंडुड एन स्क्र माइनस वन अपॉन ट वेरियंस ऑफ ये स्टैंडर्ड डिशन आ गया तो वेरियंस क्या आएगा आपके पास में सिगमा स्क्वेयर एन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स तो इसमें देखो आपके पास है फर्स्ट एन का क्या कह रहा है तो इसमें द वेरियंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज टेन तो इसमें एन स्क्यर माइनस तो इसमें आपके पास में पहले क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिस इज इक्वल टू वट टेन पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सो वी वी हैडिंग टू दिस

कोई x1 x2 x3 xn n ऑब्जर्वेशंस है अगर इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा देन व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट विल बी वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 xn क्लियर गेट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट स्क्यर तो आपके पास में नए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो वेरियंस आएगा वो लेमडास्कअर से मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे ओल्ड वन से, से. ठीक है ना तो अब इसमें देखिए आपके पास में तो इसमें वेरियंस क्या बनेगा आपके पास में तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव है ना जैसे आपके पास में अगर मैं ऐसे लेता हूं तो इसमें एम फर्स्ट है तो उसमें आपके पास में ईच फर्स्ट मतलब ईच नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई टू तो आपके पास में नए सेट का मतलब फिर आपके वेरियंस क्या रहेगा टू स्केर इसको टू स्केयर करना है ऐसे तो एम स्केयर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व ये इस फॉर्म में रहेगा तो ये क्या आपके पास में दिस इज द वेरियंस ऑफ द फर्स्ट एम इवन मतलब आपके पास में ईच नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई टू सो देन वेरियंस विल बी मल्टीप्लाइड बाई टू स्केयर इक्वल टू वाट इसके इक्वल कह रहा है वो आपके पास में तो सिक्सटीन तो सिक्सटीन के तो अब इसमें यहाँ से बैठा ये कितना हुआ थ्री हो गया ठीक है तो उधर आपके पास में सो फोर ट्वेल्व तो ये फोर्टी एम स्क्र इज इक्वल टू फोर्टी नाइन तो एम स्क्र कितना है फोर्टी नाइन तो ये आपके पास में एम इज इक्वल टू सेवन आ गया सो बड़ी था एम प्लस एन दैट so इज 18 नेक्स्ट क्वेश्चन तो फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन देखे द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दी एट नंबर्स थ्री सेवन नाइन ट्वेल्व थर्टीन ट्वेंटी आपको मीन कितना दे रखा है टेन दे रखा है और वेरिएंस कितना ट्वेंटी फाइव दे रखा है तो एक्स वाई की वैल्यू पूछिए बेटा तो आपके पास में देखो इसका मीन की बात करें थ्री प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टीन प्लस ट्वेंटी प्लस एक्स प्लस वाई अपऑन एट इजिकल टू टेन तो आपके पास में इनका सम निकालो ये कितना आता है आपके पास में ट्वेंटी थ्री यहाँ पे आपके पास में सो थ्री सेवन नाइन ट्वेल्व तो ये आपके पास में यहाँ पे सिक्सटी फोर बन रहा है ये ठीक है तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू तो यहाँ पे आपके पास में सिक्सटीन ये हो गया अब अपने पास में वेरियंस दे रखा है आपको वेरियंस किस फॉर्म में दे रखा है आपके पास में ट्वेंटी फाइव है तो मैं देखो वेरियंस मीन से निकाल लेता हूँ तो देखो सिग्मा स्क्वायर ये तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इस फॉर्म में निकाल लेते हैं ठीक है तो ये आपके पास में अपॉन में यहाँ पे एट तो ये इसकी ट्वेंटी फाइव ठीक है इसमें आपके पास में ये वैल्यूज किस किस के इक्वल आएगा तो यहां पे पहले सेवन स्क्वायर एंड थ्री स्क्वायर एंड वन स्क्वायर ऐसा आ गया तो प्लस टू स्केयर यहां पे थ्री स्क्र और फिर टेन स्केयर तो लास्ट में बेटा x माइनस टेन होल स्केयर एंड y माइनस टेन होल स्केयर ठीक है अपॉन में एट तो वो एट इधर आ जाएगा ये एट तो ये इसमें एट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको आपने देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां से अब ये आपके पास में हंड्रेड तो देखो इसमें सो टू हंड्रेड क्लियर है तो ये यहां से टेन वन हंड्रेड टेन क्लियर है तो वन हंड्रेड टेन और ये वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री प्लस फोर्टी नाइन तो आपके पास में तो ये वन फोर्टी नाइन वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री वन हंड्रेड सेवेंटी टू कुछ ऐसा बनेगा तो देख लेते हैं सो ट्वेंटी थ्री एंड फोर्टी नाइन दैट विल बी हेयर 172, वन टू वन टू ऐसा आ गया और इधर आपके पास में क्या आएगा ये देखो यहां से ये टू हंड्रेड आएगा टू हंड्रेड ठीक है फिर माइनस का क्या आएगा आपके पास में यहां से माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वाई और एक्स स्क् प्लस वाई स्क्र ऐसा आ गया इस फॉर्म का बन गया ये अब अपने पास में टू हंड्रेड कैंसिल हो गया तो यहां से आप इसकी वैल्यू डालेंगे तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू तो ये जीरो बैठा अब इसमें एक्सर प्लस वाई स्केयर किसके इक्वल आ रहा है वो देखें तो इसमें, इसमें सब करेंगे तो कितना आता है ये आपके पास में एट फोर वन आ रहा है ठीक है अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्केयर इक्वल टू वन फोर्टी एट आ रहा है अब इसमें आपके पास में देखो एक्स इसका स्क्वेयरिंग कर लो इसका स्क्वेयरिंग इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में एक्स स्क्र प्लस वाई स्केयर टू एक्स वाई इज इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स ऐसा है तो इसमें आप इस एक्स स्क्र प्लस वाई स्केयर की वैल्यू डालो वन फोर्टी एट एंड प्लस टू एक्स वाई इज टू टू फिफ्टी सिक्स तो ये यहाँ से टू एक्स वाई तो इसमें जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आता है आपके पास वन हंड्रेड एट आ रहा है वन हंड्रेड एट तो एक्स वाई किसके कुल आ गया आप फिफ्टी फोर के सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फिफ्टी फोर क्लियर है सो so, तो ये क्वेश्चन बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग और इसके क्या स्ट्रेटिस एंड मैथमेटिकल रीजनिंग के दो क्वेश्चन आते हैं सिंपल आते हैं तो ये चैप्टर क्या है बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है तो इसको आप ध्यान से कीजिए ठीक है Okay, thank you.